കായികതാരം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പുകയില ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാണ് പുകയിലയുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗവും അപകടകരവും മാരകവുമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ പുകയില ഒഴിവാക്കൂ ഞാൻ പുകയില ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കൂ പുകയിലക്കെതിരെ നമുക്കൊരു വന്മതിൽ പണിയാം दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज किस इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सकांडा तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो दोस्तो में हम बात करेंगे सकांडा मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे सकांडा फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और इस मूवी ने साल दो हजार में रिलीज होने के बाद इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस कितनी कमाई किया है और इसी के साथ ये फिल्म हिट हुआ हुआ या फिर फ्लॉप है इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों को हिंदी डब में देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ राम पोतनी की न्यू फिल्म सकांडा को देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से सीधे बात कर लेते हैं सक फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसे बोयापत सरुन द्वारा निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ इस फिल्म को जी स्टूडियो के सहयोग से उनके अलावा श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के तहत श्रीनिवास चित्तूरी द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है वहीं पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में श्रीलीला साइमन जरेकर उनके अलावा श्रीकांत उनके अलावा श्रद उनके अलावा लोहित शॉ भी इस फिल्म में नजर आए हुए हैं साथ ही साथ फिल्म में अजय पुरकर उनके अलावा दगुबती राजा और प्रिंस सेसिल के साथ राम पोथीनैनी इस फिल्म में दोहरी भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं वहीं पे दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में हम बात करें तो आधिकारिक घोषणा सबसे पहले फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति रापो के तहत की गई थी जबकि दोस्तों फिल्म की आधिकारिक शीर्षक सकांडा की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और फिर अगस्त 2023 में समाप्त हुई अगर बात करें फिल्म के संगीत के बारे में तो फिल्म के संगीत थमन एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि छयांकन और संपादन कर्मश संतोष डिटेक और फिर जो है तमिल राजू द्वारा संभाला गया था वहीं आपको बता दें सकांडा फिल्म को अट्ठाईस सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला हुआ है और साथ ही साथ जिसमें फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन और फिर विशेष रूप से रामपोत नैनी और फिर श्रीलीला के बारे में बताया गया उनके बारे में छ्यांकन किया गया और फिर पृष्ठभूमि स्कोर के बारे में लिखा गया है कि उनका एक्शन दिवसों की प्रशंसा किया गया लेकिन इसके निर्देशन और फिल्म की पटकथा के साथ फिल्म का लेखन और साउंड डेट की आलोचना किया गया है और इस मूवी की बजट के बारे में हम बात करें तो सकांडा फिल्म को बनाने में तकरीबन नब्बे करोड़ रुपया खर्च हुआ है और नब्बे करोड़ के मुकाबले में मूवी ने उनसठ करोड़ रुपए सदी की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म निराशाजनक साबित हुई है द फिल्म ऑफिशियली अनाउंसमेंट इन फरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड एंड तेन टाइटल तिरापो होवेल ऑफिशियली एंड टाइटल दासमेंट इन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड द प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगेन इन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड were paid in August 2023. The music is composed by Thaman S. the and cinematography and editing are art and handled by Santosh Dede and Timir Raju and respectively. Sakanda was released on September 2000, September 28 and 2023 to the mixed to negative review from the critics with the in price and toward the cast performance and

While a star Ramputhuni in the lead role, it is the was and the tentatively titled as the boyapati Rappo. At the end, and Pooja was the and held on 1 June 2020 in the Hyderabad. On 5 October 2022, Srilila was announced to play the lead female role and alongside Ramputhuni for the first time on 3 July 2023. At the end. ग्राम्पेस वास द रिजी द एंड रेवल द टाइटल एंड सक मोवी प्नसीपल फोटोग्राफी कॉमेंसेड ऑन सिक्स अक्टूबर तू थाज ट्वेंटी टू वित एंड फर्द सच्चेड्यूल एंड द रामजी फिल्म सिटी इन हैदराबाद द सेकेंड सचेड्यूल एंड कॉमेंसेड इन नफम्बर एंड इन क्लाउडिंग एक्शन सीकुवेंस दर्ड सचिड्यूल एगैन इन जनवरी तू थाउंड्वेंटी थ्री द सचेड्यूल इन क्लाउड अ

रिगोनी लैंग्वेज व्हील द हिंदी वर्जन व शोल टू जिस सिनेमा प्लस स्टार एंड एक वेराइट द डिजिटल एंड स्ट्रीमिंग द राइट फॉर द फिल्म एंड वॉज द प्राइम रेड ऑन टू नवंबर 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन तेलुगू तमिल मलयालम एंड कनाडा लैंग्वेजेस है सकांडा रिसीव मिक्सियड टू नेगेटिव रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स हु द प्राइज द एंड पोथीन इज परफॉर्मेंस एंड Actions sequence will end in the story and screenplay 123 telugu give the five and three point five star and world the second is a mass action and entertainer the offered the soul and performance by the both and energetic the actions and skinness and dashing Varuda the which will be fans and the message will enjoy this high voltage entered and the film's simple story and the illogical actions sequence and uh, the and the slowest the second half might to be appealed to the other if you are fine and with this the unexpected you me give this the movie and watch it the end weekend and the uh, Nishita nayapati of the Times of India give two point five star rating and wrote uh, the Sakanda is not a film.

अब अबसोडेड द कॉमेडी इन माइट इविन दुल विद द एंड रेपेल डिंग द गणेशम रेजन द श्री निवासन एंड न दूरी ऑफ द ऑडिटी टी प्ले गिव 1.5 स्टार रेटिंग वरुण द सेकंड इज अ फिल्म धेट द एंड इवीन मेक दयापति इज पर डू यू टू द एंड डेड विनय विद्या राम मूवी इन सिम द इन बेटर द थेर इज नॉट मेच टू बी इज़ द जस्ट दी दरुट द फोर एंड फिल्म मेकर रामपुथीन एंड इस द स्क्रिप्ट एंड सिलेक्शन वॉज द एंड कंटिन्व टू द एंड कंपोजर द थमर हु इज़ द एंड नेचुरल विद द एक्श एंड एंटरटेनर एंड मिसेस दि दॉ वित्त द मेरेड अवेलासरुकुरी अब दिन एक्सप्रेस गि वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुड द सेकंडा मैट जॉर्ज दि एंड लास्ट नियर द एंड कॉन्फिने दिसज द बोयापत् एंड फार्मूला আগিটা দেৱী দণ্ডু অফ দ হিন্দু ক্ৰিটিছ দ ফল ৱাজ দগণ্ডা ইজ আ ব্ৰুটে এণ্ড দ নো এণ্ড নেগেটিভ দ ৰস্পছ এণ্ড কেৰেকটৰ দ মিউজিক অকশ এণ্ড চেমোগগ্ৰাফি কোৰিওগ্ৰাফৰ ইট দ' এণ্ড ৰিলেটেষ্ট এণ্ড চেলেব্ৰেছন অফ হাই এণ্ড ডিচাইডেবল মিছ ফাৰ্ষ্ট দ ইউ মি এণ্ড ৱান টু বি কিপ ইন নোজ দ এণ্ড কচু দ এণ্ড ইয়াৰ পঞ্চ एंड साउंड लाइक थियर इज दी वी एस प्रकाश ऑफ द एंड एंड क्रोनिकल दिन मैंडली ग्रुप ऑफ द एक्शंस इन द मूवी तो दोस्तों कहीं ना कहीं से इस मूवीज़ को ज्यादातर जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिला हुआ है अगर इस मूवीज़ की कहानी को हम यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो दोस्तों बेटा बता दे रेडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से करने को तैयार है लेकिन शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में वहाँ पे विवाह स्थल पर प्रवेश होता है और रेड्डू की बेटी के साथ वहाँ से भाग जाता है अब इस हादसा के बाद रंजीत रेड्डी और रेड्डू क्रोधित तो हो जाते हैं जहाँ वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जो कि पहले कभी दोस्त हुआ करते थे अब इस बीच भास्कर राजू एक कॉलेज छात्रा है जो रेडू की बेटी और फिर रंजीत रेड्डी की बेटी श्री लीला रेड्डी जो भास्कर की सहभा भी है उनका अपहरण कर लेते हैं अचानक और उन्हें अपने गृहनगर रुद्र राजपुरम में लेकर चले जाते हैं अब वहां पे जाने के बाद यही पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप कंपनी के सी द्वारा किया गया जिसका नाम है रुद्र क्रांति रामकृष्णा अब वो ये केस जो है रुद्रक्रांति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए हैं जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है

क्योंकि उसे रंजीत और फिर रैडू के लोगों ने बंदी बना लिया था अब वहां पे बिना किसी विकल्प के रंजीत और रेडू ने रामकृष्ण लिया और फिर इसके बाद दोनों एक मंदिर उस शो में भास्कर और उसके परिवार पर हमला करते हुए नजर आते हैं लेकिन भास्कर के हमसकल सकांडा द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है आखिरकार रंजीत और रैडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया जब रामकृष्ण राजू ने सकांडा के बारे में पूछताछ की तो पता चलता है कि सकांडा मोरक्को का एक कुख्यात हत्यारा है जो कि यहाँ पे डैनियल नामक एक मोरक्को के स्थित और शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है फिर उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद सकांडा के दूर चले जाने पर रेडू और रंजीत रेड्डी उसके डरने उससे डरने लग जाते हैं जिससे संकेत मिलता है कि उसका अति सकंडा टू नामक सीक्वल में सामने आएगा तो फैंस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है आइए दोस्तों बात कर लेते फिल्म की माइनस कहानी कैसी है तो समझाते हुए मैं आपको बता सकांडा और जवान स्टार रामपूतने और फिर आपको बता दें मास निर्देशकूनी के पहले सहयोग का प्रतीक है ये फिल्म आज से कुछ समय पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी शानदार कमाई नहीं किया है वहीं पे दोस्तों कहानी इस की तेलंगाना रेड्डी की का बेटा आंध्र प्रदेश के सीएम रायडू अजय पुरगर की बेटी के साथ भाग गया अब वहां पे गुस्से में आकर रायडू बदला लेना चाहता है लेकिन भास्कर राजू राम पोते निनी की एंट्री से पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है अब कौन है भास्कर राजू उसका आदर्श क्या है

उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दिवसों में और फिर अधिक वजन जोड़ता है ये चीजें जो कि एक नायिका के रूप में श्री लीला कम प्रवेश कम जो है प्रभावशाली है लेकिन वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है और अपनी जो है शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मथुरा कर देती है श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है और भले ही इस स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है दगुबति राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है और थमन अपने उत्कृष्ट स्कोर के लिए सराहना के पात्र है जो कई दिवसों को बेहतर बनाते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं बात करें फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में तो आपको बता दें जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को भूलना होगा जहा पे आपको बता दें ये उदाहरण बोयापति श्रेणु की हाल की फिल्मों में दिया गया विशेष रूप से इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर पूरी तरह से लागू होता है इससे दृष्टि से सकांडा भी अपवाद नहीं लगता है हालांकि आपको बता दें झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित करता है लेकिन ऐसे क्षण भी सामने आते हैं जब वह सवाल करते हुए और ये कैसे संभव है ये भी एक अलग ही सवाल है फिल्म का कहानी ज्यादातर कुछ भी नया पेश करने में आगे नहीं बढ़ती है जो एक ऐसा पहलू है जिस पर जो है बयापति श्रीनु को अधिक ध्यान देने की और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है दिलचस्प तरीके से होता है लेकिन जल्द ही ये अपनी गति को खो देता है और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी हो जाती है अब दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद और और तैयार करने फिर प्रशंसकों को बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा और कुछ नहीं है उन्हें फिल्म की कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जो आकर्षक होना चाहिए फिल्म के गाने और उनका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है और एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने लायक है फिल्म में इंदिराजा गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है जिनका कथानक में योग्य करने के लिए बहुत कुछ नहीं है निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी जो कि थमन से कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए भी देने चाहिए था लेकिन दूसरे भाग में आपको बता दें इस फिल्म का भावनात्मक हिस्सा अच्छा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है और इसमें सुधार किया जा सकता था उसके अलावा कुछ संवाद और फिर राजनीतिक दलों को लक्षित किया गया है लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकता है खासकर बी और सी केंद्रों में बोयापति सिरनु एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुक रहे हैं और वे पे एम रत्नम के संवाद फिर स्वीकार्य है और कई बार उंगठे खड़े कर देता है का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में ऊर्जावान है और कई दृश्यों को बढ़ावा देता है संतोष संतोषोग्राफी शीर्ष पैदान पर है खासकर लड़ाई के दृश्यों में भी संपादन ठीक ठाक है लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनुश्चित दृश्यों को काटा जा सकता था फिर उत्पादन मूल्यों भी काफी ज्यादा सराहनीय प्रदान करता है कुल मिलाकर सकांडा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजन फिल्म है जो राम पोथिननी का ठोस प्रदर्शन देखने को मिलता है और जवान एक्शन दृश्य और देखने लायक है नृत्य पेश किया गया है जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजन का आनंद लेंगे फिल्म की सरल कहानी अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं तो आप इस हफ्ते के एंडिंग में इस मूवीज को जरूर से देखेगा ऐसा एक सौ तेईस तेलुगु ने बताया है अपने दर्शकों को

तेलुगु मास आउटिंग सकांडा हमलावर की शुरुआत में जिसमें इसमें रामपूतने और श्रेलीला और साई मंजरेकर ने अभिनय किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री सुरत लुहित का बेटा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय पुरगर की बेटी के साथ वो भाग निकलता है अब यहाँ से दोनों मुख्यमंत्री जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के इसके बाद एक दूसरे पर दोनों तंज कसते हुए नजर आते हैं और अपने अपने डायलॉग्स में भी दोनों ही अपने अदा से खूब ज्यादा दुश्मनी फैलाते हुए नजर आते हैं अब दोनों में दुश्मनी होने के बाद अगर आप फिल्म को देख रहे हैं और यदि आप सोच रहे कि कौन सा सीएम जीतेगा तो आपको बता दें फिल्म के बीच में एक चरित्र खुद को सीमा बिड्डा कहते हुए सामने आता है जो कि रियल सीमा मिट्टी का बेटा के रूप में पेश करता है अपने आप को जो कि बाद में दोनों सीएम को घुटने पर लेकर आता है और एक कन्या पात्रों ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी है कि वह उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज या फिर व्यक्ति को अचार बनाने और जार में बंद करने में संकोच नहीं करेगा जहाँ पे अच्छा सकंडा को देखने का एक तरीका है और वहीं पे ऐसी पंक्तियां से खुश हो रहे क्योंकि इसमें जो है कैसे भी बहुत कुछ देखने को मिला हुआ है कहानी एक नायक को अपने पिता के दोस्त के साथ हुए अन्याय को दूर करना होगा और भले इसके लिए दो मुख्यमंत्रियों में फिल्म के अंदर मुकाबला करना पड़े सकांडा आपको बता दे हमलावर के पास वह सब कुछ से मौजूद है जो एक बोयापति श्रेणु फिल्म से उम्मीद की जा सकती है जहाँ पर धीमी गति में निष्पादित किए गए बड़े पैमाने पर एक दृश्य दौरान जो है सिर लुढ़ते हुए नजर आते हैं लोगों को आपको बता दे भाले या फिर खंजर पर जो है लड़ाया हुआ और फिर जो है जलाया गया शब्दा शब्द यानी कि शब्द दंड पूरे जो कि तुकान शनवास से होता है जो मीन सामग्री के रूप में काम कर सकता है अतिरिक्त तेज के बारे में हम बात कर ले तो अतिरिक्त तेज संगीत और फिर जो इस थमन को में कहा गया कि जो है लाए और लगातार नहीं है कोई और निश्चिंत रूप से बारीफ की और फिर जो क्षमता की उम्मीद नहीं किया गया है लेकिन सगांडा एक यहाँ पे शांत शक्ति प्रशिक्षण और इंद्रियों पर हमला जरूर करता है इसी के साथ आपको बता दें प्रस्तावना में श्रीकांत को यहाँ पे रुद्र राजपुरम के एक उद्यमी रुद्र ग्रंथी रामकृष्ण राजू के रूप में दिखाया गया जिसे उन अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है जो उसने नहीं दिए थे और फिर उनकी बेटी जो है साई मंजरेकर जिंदगी और मौत से जूझ रही है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक नायक को आगे आना होगा वही आपको बता दें राम एक यहाँ पे अत्यंत जो है मर्दाना राक्षस की भूमिका निभाते हैं जो इन शक्तिशाली मुख्य से मुकाबला करते हैं जिनके चरित्र चित्र पे व्यंगतपूर्ण है क्योंकि फिल्म में गुंडों को भी धीमी गति वाले शॉर्ट्स में हिस्सा मिला हुआ है और राम को बहुत कुछ मिला हुआ है और एक पात्र अपनी गति को बाघ के बराबर बताता है जिसके बाद बाईस धीमी गति वाले शॉर्ट्स होते हैं इसके बाद आपको बता दें संवाद में दूसरी पंक्ति भी बोली जाती है और ये सब थोड़ा सा निराशाजनक करता है अपने दर्शकों को वही आपको बता दें ये भी दिखाया गया है कि बाहुबली फिल्म के अंदर भल्लाल देव द्वारा बड़े आकार के बैलों को वश में करने की तुलना में अभिनेता राम एक भयंकर बैलों को दवा का इंजेक्शन देकर आसानी से वश में कर लेते हैं नायक को एक के कच्चे कॉलेज छात्रा के रूप में पहले दिखाया गया है जो अपनी सहपाठी श्रीलीला को एक और औसत जो है महिला के रूप में संदर्भित करते हैं उनका तर्क यह है कि यदि वह एक औसत दिखने वाली महिला को लुभाए और फिर उससे शादी करेगा तो वह अधिक ध्यान आकर्षित करेगा अपने ओर और, और सुंदर माना जाएगा इन औसत संदर्भों को हास्य के रूप में पेश किया जाता है और यदि आपको लगता है कि आप जो एक क्रूर चरित्र से बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे खुलासे की प्रतीक्षा करें हम बाद में बा, हमें ये बाद में बताया गया था कि वह यहाँ पर एथिकल हैंकिंग में माहिर हासिल थे जो कि स्टैनफोर्ड और फिर यूनिवर्सिटी का टॉपर था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वह केवल लोगों को हैक कर रहा है और वह ये सब कुछ अपने परिवार और अपने पिता दागुबती राजा के करीब जो है दोस्त रामकृष्ण राजू के प्यार के लिए कर रहे हैं कुमारी श्रीमती देव श्रृंखला की समीक्षा करते हुए एक शानदार नित्या मिलन ने यहाँ पे हास्य के साथ ग्रामीण और फिर जो है उद्धव की एक कहानी प्रस्तुत की है वही प्रतिशोध और फिर जो है प्रतिशोध की एक सरल कहानी एक मिनट तक जो है चलाया गया है जिसमें आपको बता दें सैकड़ों और फिर जो है यहाँ पे तुंक बद्दी वाले संवाद शामिल है अंतरराष्ट्रीय फिल्म और फिर जो है साहित्य संदर्भ में भी कुछ किया गया जो कि इसमें डाले गए हैं किसी को यहाँ पे टार्जन कहा जाता है तो किसी को मैट्रिक्स शब्द कहा जाता है फिर पृष्ठभूमि में प्रमुखता से दिखाया गया है जब एक गुंडा हमले की योजना बनाता है फिर एक पात्र यह है और ये होना चाहिए जो कोई राम को चलती जो है, रोल से भी कहता हुआ दिखाई देता है तो गाइस कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी हिट थी लेकिन इस मूवीज को उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है और इस फिल्म में बेहतरीन स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इस मूवीज़ मूवी की न्यू फिल्म सकांडा को देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से सीधे बात कर लेते हैं सकांडा फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसे बोयापत सीर द्वारा निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ इस फिल्म को जी स्टूडियो के सहयोग से उनके अलावा श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के तहत श्रीनिवास चित्तूरी द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है वहीं पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में श्रीलीला साइमन जरेकर उनके अलावा श्रीकांत उनके अलावा श्रथ उनके अलावा लोहित शॉव भी इस फिल्म में नजर आए हुए हैं साथ ही पुरकर उनके दगुबती राजा और सेसिल के साथ राम आधिकारिक घोषणा के बारे में हम बात करें तो आधिकारिक घोषणा सबसे पहले फरवरी दो हजार बाईस में स्थायी शीर्षक के तहत की गई थी जबकि दोस्तों फिल्म की आधिकारिक शीर्षक सकांडा की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और फिर अगस्त के संगीत के बारे में तो समाप्त हुई वही आपको बता दें सकांडा फिल्म को अट्ठाईस सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला हुआ है और साथ ही साथ जिसमें फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन और फिर विशेष रूप से राम पोथी पोथीनैनी और फिर श्रीलीला के बारे में बताया गया उनके बारे में छ्यांकन किया गया और फिर प्रश्नभूमि स्कोर के बारे में लिखा गया है कि उनका एक्शन दिवसो की प्रशंसा किया गया लेकिन इसके निर्देशन और फिल्म की पदकथा के साथ फिल्म का लेखन और साउंड डेट की आलोचना किया गया है और इस मूवी की बजट के बारे में हम बात करें तो सकांडा फिल्म को बनाने में तकरीबन नब्बे करोड़ रुपया खर्च हुआ है और नब्बे करोड़ के मुकाबले में मूवी ने उनसठ करोड़ रुपये अधिक की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पे

editing art and handle by santos D. E. and and Raju, and respectively sakanda was released on september 2000 september 28 and 2023 to make sure to negative review from the critics with the in enterprise and toward the cast performance and participate drama in the lila cinematography background score and action sequence and the Critics in the directions and screen screenwriting and sounded the film grossed the 59 crore and against the budget 90 crore and become of the box office the end disappointed on 18 February 2022 and Srinivasan was silver screen Srinivasan was silver screen announcement the third next film which in the directed by Bhavathis Srinu and Wall star Ramputhini in the lead role it is the was and the tentatively. Title as the boyapati Rapo at the end, and, and Puja was the end held on 1 June 2020 in the Hyderabad. On 5 October 2022, Sri Lila was announcement to play the lead female role. And alongside Ramputhini for the first time on 3 July 2023, other the end, Grampus was the release which the end revealed the title and Sakanda. मोवी पिंसीपल फोटोग्राफी कॉमेंसेड ऑन सिक्स अक्टूबर तू थाजेंड ट्वेंटी टू वित एंड फर्द सचिड्युल एंड द रामोजी फिल्म सिटी इन हैदराबाद द सेकेंड सचिड्यूल एंड कॉमेंसेड इन नभम्बर एंड इन क्लाउडिंग एक्शन सीकुवेंस दर्ड सचिड्यूल एगैन इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द सचेड्यूल इन क्लाउड एंड एस कें द फ्यूचरंग एंड पोथी रे एंड शरी लीला Sakanda was the Intel's to release on 20 October 2023 in Telugu along with the Introvert version of Hindi, Tamil, Kannada, and Malayalam language, but was the end profanate to at 5 September 2023. The stated the end right of the film and is secured by the Disney star in the regional the language and regularly language, will the Hindi version of the sold to this cinema Disney Plus star and एक वेरट द डिजिटल एंड स्ट्रीमिंग द राइट फॉर द फिल्म एंड वॉज द प्राइमरेट ऑन टू नवंबर 2023 इन तेलुगू तमिल मलयालम एंड कनाडा लैंग्वेजेस है। सकांडा रिसीव मिक्सियड टू नेगेटिव रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स हु द प्राइज द एंड पोथीनि इज़ परफॉर्मेंस एंड एक्शंस सीक्वेंस विल एंड क्रिएटिशिंग द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले 123 telugu give the 5 and 3.5 star and Varud the second is a mass action and entertainer. The offer the sold and performance by the pothineni and uh, Energetic the actions and Skinis and uh, dancing, varud the which it will be fans and the message uh, will enjoy this high voltage entered in and the film's simple story and the illogical actions sequence and uh, हलो एंड द एस लोज इज द सेकेंड हाफ मैट टू बी अपील टू द ओदर इफ यू आर फाइन एंड दिस द एंड एक्सपेक्टेड यू मी गिव दिस द मूवी एंड वॉच इज़ द एंड वीकेंडे एंड द निशिता न्यायपति ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया गिव टू बन फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुण द सकंड इज़ नॉट अ फिल्म

अवसोडेड द कॉमेडी इन माइट इवन द वि एफ द एंड रिपेल डूरिंग द गणेश इमरिजन द श्री निवासन एंड न दूरी अफ द ऑडिटी टी टी प्ले गीव वन स्टार रेटिंग वरुप द सेकंड इज अ फिल्म धेट द एंड इवन मेक द दयापति इज़ पर डू यू टू द एंड डेड विनय विद्या राम मूवी इन सिम द इन फेंटली बेटर द थेयर इज नॉट मेच टू बी इस द जस्ट बेट दरुट द फोर एंड फिल्म मेकर रामपुथीन एन इस द स्क्रिप्ट एंड सिलेक्शन वॉज द एंड कंटिन््यू टू द एंड कंपोजर द थमर हु इस द एंड नेचुरल विद द एक्शन एंड एंटरटेनर एंड मिसिस बॉस विद द मेरेड अवेलासरुकुरी अब दिन एक्सप्रेस की वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुड द सेकंडा माइक जॉर्ज द एंड लास्ट नियर द एंड कॉन्फिडेंट दिज द बोयापति एंड फॉर्मूला बद और संगीता देवी दंडू अब द हिंदू क्रिटिशन द फिल्म वॉज द सकन्डा इस ब्लूटे एंड द नो एंड नेगेटिव द रिस्पॉन्स एंड कैरेक्टर द म्यूजिक और एक्शंस एंड सीमोग्राफी कोरियोग्राफर इट द शो एंड Uh, Relates the end celebration of high and decidable miss fast the you me and want to be keep in your newest, and you noise the end, calculate the and air once and the two word in will be lord the and going to be part who is the and sound like a uh, theory is the B, BVS, prakash of the end account, and uh, the and chronicle uh criticize the of the end, screen where it do and madly group the actions in the movie. तो दोस्तों कहीं ना कहीं से इस मूवीज़ को ज़्यादातर जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिला हुआ है अगर इस मूवीज़ की कहानी को हम यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो दोस्तों बेता बता दे रेडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से करने को तैयार है लेकिन शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में वहाँ पर विवाह स्थल पर प्रवेश पर होता है और रेड्डू की बेटी के साथ वहाँ से भाग जाता है अब इस हादसा के बाद रंजीत रेड्डी और रेडो क्रोधित हो जाते हैं जहां वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जो कि पहले कभी दोस्त हुआ करते थे अब इस बीच भास्कर राजू एक कॉलेज छात्रा है जो रेडो की बेटी और फिर रंजीत रेड्डी की बेटी श्रीलीला रेड्डी जो भास्कर की सहभा भी है उनका अपहरण कर लेते हैं अचानक और उन्हें अपने गृहनगर रुद्र राजपुरम में लेकर चले जाते हैं अब वहाँ पे जाने के बाद यही पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप कंपनी के सीईओ द्वारा किया गया जिसका नाम है रुद्र क्रांति रामकृष्णा अब वो ये केस जो है रुद्रग्रति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए हैं जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है वहीं पर रंजीत रेड्डी और रेडू ने अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण उन्हें गलत तरीकों से कैद किया गया था जेल में वहां पर यह भी पता चलता है कि रामकृष्ण राजू भास्कर के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त है जो कि भास्कर रामकृष्ण राजू की बेगुनाही साबित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्र ग्रंथी और फिर जो है परिणीता को बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे रंजीत और फिर रायडू के लोगों ने बंदी बना लिया था अब पे बिना किसी विकल्प के रंजीत और रेडू ने रामकृष्णा राजू को जेल से छुड़वा लिया और फिर इसके बाद दोनों एक मंदिर उस शो में भास्कर और उसके परिवार पर हमला करते हुए नजर आते हैं लेकिन भास्कर के हमसकल सकांडा द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है आखिरकार रंजीत और रेडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया जब रामकृष्ण राजू ने सकांडा के बारे में पूछताछ की तो पता चलता है कि सकांडा मोरक्को का एक ख्यात हत्यारा है जो कि यहाँ पे डैनियल नामक एक मोरक्को के स्थित और शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है फिर उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद सकांडा के दूर चले जाने पर रेडू और रंजीत उसके डरने लग जाते हैं जिससे संकेत मिलता है कि उसका अति टू नामक सीक्वल में सामने आएगा तो फैंस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है आइए दोस्तों बात कर लेते फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में और फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में की कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले कहानी को समझाते हुए मैं आपको बता दे सकांडा और जवान स्टार रामपूतने और फिर आपको बता दें के पहले सहयोग का प्रतीक है ये फिल्म आज से कुछ समय पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस उतनी शानदार कमाई नहीं किया है वहीं पे दोस्तों कहानी इस मुवीज की तेलंगाना के सीएम रंजीत रेड्डी शरद लोगेश का बेटा आंध्र प्रदेश के सीएम रायडू अजय पुरगर की बेटी के साथ भाग गया अब वहाँ पे गुस्से में आकर रेडू बदला लेना चाहता है लेकिन भास्कर राजू राम पोते की एंट्री से पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है अब कौन है भास्कर राजू उसका आदर्श क्या है उन्होंने दोनों सीम पर निशाना क्यों साधा रुद्र ग्रंथि रामकृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत का राजू से क्या संबंध है ये आपको सब कुछ फिल्म को देखने के बाद ही पता चलने वाला है फिल्म की प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इस फिल्म के लिए रामपोत ही नैनी का प्रभावशाली परिवर्तन उल्लेखनीय है उनका बिस्ट मोड खासकर जब आप एक एक्शन दिवसों में दुश्मनों को मार गिराते हैं तो वो साधारण है जो उनकी सामूहिक उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दिवसों में और फिर अधिक वजन जोड़ता है ये चीजें जो कि एक नायिका के रूप में श्रीलीला कम प्रवेश कम जो है प्रभावशाली है लेकिन वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है और अपनी जो है शानदार सुंदरता और नृत्य चलते दर्शकों को मथुरा मुख कर देती है श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है और भले ही इस स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है दगुबती राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है और थमन अपने उत्कृष्ट स्कोर के लिए सराहना के पात्र है जो कई दिवसों को बेहतर बनाते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं बात करें फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में तो आपको बता दें जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को भूलना होगा जहाँ पे आपको बता दें ये उदाहरण बोयापति की की हाल की फिल्मों में में दिया गया विशेष रूप से इस फिल्म लड़ाई के दृश्यों पर पूरी तरह से लागू होता है इस दृष्टि से सकांडा भी अपवाद नहीं लगता है हालांकि आपको बता दें झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित करता है लेकिन ऐसे क्षण भी सामने आते हैं जब वह सवाल करते हुए और ये कैसे संभव है ये भी एक अलग ही सवाल है फिल्म का कहानी ज़्यादातर कुछ भी नया पेश करने में आगे नहीं बढ़ती है जो एक ऐसा पहलू है जिस पर जो है बोयापति श्रीनु को अधिक ध्यान देने की और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है दिलचस्प तरीके से होता है लेकिन जल्द ही ये अपनी गति को खो देता है और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी हो जाती है अब दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद और तैयार करने और फिर जो है प्रशंसकों को सीट बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा और कुछ नहीं है उन्हें फिल्म की कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जो आकर्षक होना चाहिए फिल्म के गाने और उनका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है और एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने लायक है फिल्म में इंदिराजा गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है जिनका कथानक में योग्य करने के लिए बहुत कुछ नहीं है निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी जो कि थमन से कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए भी देने चाहिए था लेकिन दूसरे भाग में आपको बता दें इस फिल्म का भावनात्मक हिस्सा अच्छा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है और इसमें सुधार किया जा सकता था उसके अलावा कुछ संवाद और फिर राजनीतिक दलों को लक्षित किया गया है लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकता है खासकर बी और सी केंद्रों में बोयापति सिरनु एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुक रहे हैं और वहीं पे एम रत्नम के संवाद फिर स्वीकार्य है और कई बार उंगठे खड़े कर देता है थमन का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में ऊर्जावान है और कई दृश्यों को बढ़ावा देता है संतोष दिटेक के सीनेटोग्राफी शीर्ष पैदान पर है खासकर लड़ाई के दृश्यों में भी संपादन ठीक ठाक है लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनुचित दृश्यों को काटा जा सकता था फिर उत्पादन मूल्यों भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय प्रदान करता है कुल मिलाकर सकांडा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजन फिल्म है जो रामपोथ हिने का ठोस प्रदर्शन देखने को मिलता है और जवान एक्शन दृश्य और देखने लायक है नृत्य पेश किया गया है जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजन का आनंद लेंगे फिल्म की सरल कहानी अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुओं से सहमत है तो आप इस हफ्ते के एंडिंग में इस मूवीज को जरूर से देखिएगा ऐसा एक सौ तेईस तेलुगु ने बताया है अपने दर्शकों को

तेलुगु मास आउटिंग सकांडा हमलावर की शुरुआत में इसमें रामपूत और श्रेलीला और साई मंजरेकर ने अभिनय किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री सुरत सवा का बेटा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय पुरकर की बेटी के साथ वो भाग निकलता है अब यहाँ से दोनों मुख्यमंत्री जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के इसके बाद एक दूसरे पर दोनों तंज कसते हुए नजर आते हैं और अपने अपने डायलॉग्स में भी दोनों ही अपने अदाकारियों से खूब ज्यादा दुश्मनी फैलाते हुए नजर आते हैं अब दोनों में दुश्मनी होने के बाद अगर आप फिल्म को देख रहे हैं और यदि आप सोच रहे कि कौन सा सीएम जीतेगा तो आपको बता दें फिल्म के बीच में एक चरित्र खुद को सीमा बिड्डा कहते हुए सामने आता है जो कि रियल सीमा मिट्टी का बेटा के रूप में पेश करता है अपने आप को जो कि बाद में दोनों सीएम को घुटने पर लेकर आता है और एक कन्या पात्रों ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी है कि वह उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज या फिर व्यक्ति को अचार बनाने और जार में बंद करने में संकोच नहीं करेगा पे अच्छा सकंडा को देखने का एक तरीका है और वहीं पे ऐसी पंक्तियां से खुश हो रहे क्योंकि इसमें जो है कैसे भी बहुत कुछ देखने को मिला हुआ है कहानी एक नायक को अपने पिता के दोस्त के साथ हुए अन्याय को दूर करना होगा और भले इसके लिए दो मुख्यमंत्रियों में फिल्म के अंदर मुकाबला करना पड़े सकांडा आपको बता दे हमलावर के पास वह सब कुछ से मौजूद है जो एक बोयापति श्रेणु फिल्म से उम्मीद की जा सकती है जहाँ पर धीमी गति में निष्पादित किए गए बड़े पैमाने पर एक दृश्य जिसके दौरान जो है पे सिर लुढ़ते हुए नजर आते हैं लोगों को आपको बता दे भाले या फिर खंजर पर जो है लड़ाया हुआ और फिर जो है जलाया गया शब्द यानी कि शब्द दंड पुरुष जो कि तुकान शनवास से होता है जो मीन सामग्री के रूप में काम कर सकता है अतिरिक्त तेज के बारे में हम बात कर ले तो अतिरिक्त तेज संगीत और फिर जो है इस थमन को में कहा कि जो है लाए और लगातार नहीं है कोई और निश्चिंत रूप से बारीकी और फिर जो क्षमता की उम्मीद नहीं किया गया है लेकिन सगांडा एक यहाँ पे शहन शक्ति प्रशिक्षण और इंद्रियों पर हमला जरूर करता है इसी के साथ आपको बता दें प्रस्तावना में श्रीकांत को यहाँ पे रुद्र राजपुरम के एक उद्यमी रुद्र ग्रंथी रामकृष्ण राजू के रूप में दिखाया गया जिसे उन अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है जो उसने नहीं दिए थे और फिर उनकी बेटी जो है साई मंजरेकर जिंदगी और मौत से जूझ रही है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक नायक को आगे आना होगा वही आपको बता दें राम एक यहाँ पे अत्यंत जो है मर्दाना राक्षस की भूमिका निभाते हैं जो इन शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों से मुकाबला करते हैं इनके चरित्र चित्र यहाँ पे व्यंगतपूर्ण है क्योंकि फिल्म में गुंडों को भी धीमी गति वाले शॉर्ट्स में हिस्सा मिला हुआ है और राम को बहुत कुछ मिला हुआ है और एक पात्र अपनी गति को बाघ के बराबर बताता है जिसके बाद बाईस धीमी गति वाले शॉर्ट्स होते हैं इसके बाद आपको बता दें संवाद में दूसरी पंक्ति भी बोली जाती है और ये सब थोड़ा सा निराशाजनक करता है अपने दर्शकों को वही आपको बता दें ये भी दिखाया गया है कि बाहुबली फिल्म के अंदर भल्लाल देव द्वारा बड़े आकार के बैलों को वश में करने की तुलना में अभिनेता राम एक भयंकर बैलों को दवा का इंजेक्शन देकर आसानी से वश में कर लेते हैं नायक को एक के कच्चे कॉलेज छात्र के रूप में पहले दिखाया गया है जो अपनी सहपाठी श्री को एक और औसत जो है महिला के रूप में संदर्भित करते हैं उनका तर्क यह है कि यदि वह एक औसत दिखने वाली महिला को लुभाए और फिर उससे शादी करेगा तो वह अधिक ध्यान आकर्षित करेगा अपने ओर और, और सुंदर माना जाएगा इन औसत संदर्भों को हास्य के रूप में पेश किया जाता है और यदि आपको लगता है कि आप जो एक क्रूर चरित्र से बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे खुलासे की प्रतीक्षा करें हम बाद में बा, हमें ये बाद में बताया गया था कि वह यहाँ पर एथिकल हैंकिंग में माहिर हासिल थे जो कि स्टैनफोर्ड और फिर यूनिवर्सिटी का टॉपर था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वह केवल लोगों को हैक कर रहा है और वह ये सब कुछ अपने परिवार और अपने पिता दागुबती राजा के करीब जो है दोस्त रामकृष्ण राजू के प्यार के लिए कर रहे हैं कुमारी श्रीमती देव श्रृंखला की समीक्षा करते हुए एक शानदार नित्या मिलन ने यहाँ पे हास्य के साथ ग्रामीण और फिर जो है उद्धव की कहानी प्रस्तुत की है वही प्रतिशोध और फिर जो है प्रतिशोध की एक सरल कहानी एक मिनट तक जो है चलाया गया है जिसमें आपको बता दें सैकड़ों और फिर जो है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय फिल्म और फिर जो है साहित्य संदर्भ में भी कुछ किया गया जो कि इसमें डाले गए हैं किसी को यहाँ पे टार्जन कहा जाता है तो कि, किसी को मैट्रिक्स शब्द कहा जाता है फिर पृष्ठभूमि में प्रमुखता से दिखाया गया है जब एक गुंडा हमले की योजना बनाता है फिर एक पात्र यह है और ये होना चाहिए जो कोई राम को चलती जो है रोल से भी कहता हुआ दिखाई देता है तो गाइस कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी हिट थी लेकिन इस मूवीज को उतना ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है और इस फिल्म में बेहतरीन स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इस मूवीज़ मूवी की न्यू फिल्म सकांडा को देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से सीधे बात कर लेते हैं सकान्डा फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसे बोयापत सीर द्वारा निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ इस फिल्म को गुजी स्टूडियो के सहयोग से उनके अलावा श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के तहत श्रीनिवास चित्तूरी द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है वहीं पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में श्रीलीला साइमन जरेकर उनके अलावा श्रीकांत उनके अलावा श्रथ उनके अलावा लोहित शॉ भी इस फिल्म में नजर आए हुए हैं साथ ही साथ फिल्म में अजय पुरकर, उनके दगुबती राजा और प्रिंस के साथ राम भूमिकाओं में नजर आए हुए आधिकारिक घोषणा तो सबसे पहले फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति रापो के तहत की गई थी जबकि दोस्तों फिल्म की आधिकारिक शीर्षक सकांडा की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और फिर अगस्त 2023 में समाप्त हुई अगर बात करें फिल्म के संगीत के बारे में तो फिल्म के संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया था जबकि छायांकन और संपादन कर्मश संतोष डिटेक और फिर जो है राजू द्वारा संभाला गया था वहीं आपको बता दें सकांडा फिल्म को अट्ठाईस सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला हुआ है और साथ ही साथ जिसमें फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन और फिर विशेष रूप से राम पोथीनैनी और फिर श्रीलीला के बारे में बताया गया उनके बारे में छ्यांकन किया गया और फिर पृष्ठभूमि स्कोर के बारे में लिखा गया है कि उनका एक्शन दिवसों की प्रशंसा किया गया लेकिन इसके निर्देशन और फिल्म की पथकथा के साथ फिल्म का लेखन और साउंड ऐट की आलोचना किया गया है और इस मूवी की बजट के बारे में हम बात करें तो सकांडा फिल्म को बनाने में तकरीबन नब्बे करोड़ रुपया खर्च हुआ है और नब्बे करोड़ के मुकाबले में मूवी ने उनसठ करोड़ रुपये सदी की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म निराशाजनक साबित हुई है द फिल्म इन फरवरी टू थाउजेंड टी टीपोल इन जुलाई 2023 एंड द प्रिंसिपल फोटोग्राफी बिगेन इन अक्टूबर 2022 एंड वर पेड इन अगस्त 2023 द म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय थमन एंड एंड्राफी एंड editing art and handle by santosh the and timir raju and respectively sakanda was released on september 2000 september 28 and 2023 to make sure to negative review from the critics with the enterprise and toward the cast performance and participate drama in the sririliila to graphic background score and action sequence and the Critics in the directions and screen waiting and sounded the film grossed the 59 crore and against the budget 90 crore and become of the box office. So the end disappointed on 18 February 2022. And Srinivasan Silver Screen. Srinivasan Silver Screen announcement the third next film, which in the directed by Bhuhaipati Srinu and Wall star Ram in the lead role. It is the was and the tentatively. Title as the Boyapati Rapo at the end, and, and Puja was the end held on 1 June 2020 in the Hyderabad on 5 October 2022. Sri Lila was announcement to play the lead female role, and alongside Ramputhini for the first time on 3 July 2023. or the end, Grandpa was the release which the end revealed the title and Sakanda. Movie principal photography com uh, commenced on 6 October 2022 with the end for the schedule in the Ramoji Film City in Hyderabad. The second schedule and commenced in November and in Clouding Action Sequence, the third schedule again in January 2023. The schedule in Cloud hour and A and the featuring the N. Pothirani and Sri Lila.

एक वेरेट द डिजिटल एंड स्ट्रीमिंग द राइट फॉर द फिल्म एंड वॉज द प्राइम रेड ऑन टू नवंबर 2023 इन तेलुगू तमिल मलयालम एंड कनाडा लैंग्वेजेस सकांडा रिसीव मिक्सियड टू नेगेटिव रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स हु द प्राइज द एंड पोथीनि इज परफॉर्मेंस एंड एक्शर्स सिक्वेंस विल एंड क्रिएटिस इन द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले 123 telugu give the 5 and 3.5 star and what is the second is a mass action and entertainer the offered the sold and performance by the pothineni and energetic the actions and skines and dancing root the which it will be friends and the message will enjoy this high voltage entered in and the film's simple story and the illogical actions sequence and हलो एंड द एस लोज इस द सेकेंड हाफ माइ टू बी अपील टू द ऑदर इफ यू आर फाइन एंड विथ दिसज द एंड एक्सपेक्टेड यू मी गिव दिस द मूवी एंड वॉच इस द एंड वीकेंडे एंड द निशिता न्यायपति ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया गिव टू बन फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुण द सकंड इज़ नॉट अ फिल्म You expected the end from the between the it is the has only tram and a few action sequence going for the there is not much left to the entertaining either. And Prakash the end pageant of the South first gave 1.5 star rating. Work the second are regular Routing and the formula and narrative of the boyapati's renew. It is the end in count the end mini allows the end open into the mass and audience with the end logically story and. अवसोडेड द कॉमेडी इन माइट द दुल विति एफ दिवेलें डूरिंग द गनेश इम रिजन द द निवासन एंड न दूरी द ओ प्ले गिव 1.5 स्टार रेटिंग वरूप द सेकंड ऑफ़ फिल्म धेट द एंड इवेट मेक द इस इज़ पर डू यू टू द एंड डेड विनय विद्या राम मुजी मूवी इन सिम द इन बेटर द थेयर इज नॉट मेच टू बी इज़ द जस्ट बेड दरुड द फोर एंड फिल्म मेकर राम पुथी ने इज़ द स्क्रिप्ट एंड सिलेक्शन वॉज द एंड कंटीन्यू टू द एंड कंपोजर द थमर हु इज़ द एंड नेचुरल विद द एक्श एंड एंटरटेनर एंड मिसेस द बॉस विद द मेरेड अवेलासरुकुरी अब दिन एक्सप्रेस गि वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुड द सेकंडा माय जॉन्स द एन लास्ट ने एंड कॉन्फिडेंट दिज द बोयापति एंड फॉर्मूला बद अ संगीता देवी दंडू अब हिंदू क्रिटिजन द फिल्म वाज द सकंडा इज अ ब्लूटे एंड द नो एंड नेगेटिव द रिस्पॉन्स एंड कैरेक्टर द म्यूजिक और एक्शंस एंड सीमटोग्राफी कोरियोग्राफर इट द शो एंड Uh, Relates the and celebration of high and decidable miss fast the you me and want to be keep and you noise the end, calculate the and airpans and over the two word in will be lord the and going to be part who is the and sound like a theory is the B V S Prakash of the end, recount the and chronicle uh, criticized the the road, the end, screen where it do and madly group the actions in the movie. तो दोस्तों कहीं ना कहीं से इस मूवीज़ को ज्यादातर जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिला हुआ है अगर इस मूवीज़ की कहानी को हम यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो दोस्तों बता दे रेडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से करने को तैयार है लेकिन शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में वहाँ पर विवाह स्थल पर प्रवेश पर होता है और रेडू की बेटी के साथ वहाँ से भाग जाता है अब इस हादसा के बाद रंजीत रेड्डी और रेडू क्रोधित हो जाते हैं जहाँ वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जो कि पहले कभी दोस्त हुआ करते थे अब इस बीच भास्कर राजू एक कॉलेज छात्रा है जो रेडो की बेटी और फिर रंजीत रेड्डी की बेटी श्री लीला रेड्डी जो भास्कर की सहपाठी भी है उनका अपहरण कर लेते हैं अचानक और उन्हें अपने गृहनगर रुद्र राजपुरम में लेकर चले जाते हैं अब वहाँ पे जाने के बाद यही पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप कंपनी के सीईओ द्वारा किया गया जिसका नाम है रुद्र क्रांति रामकृष्णा अब वो ये केस जो है रुद्रग्रांति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है वहीं पर रंजीत रेड्डी और रेडू ने अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण उन्हें गलत तरीकों से कैद किया गया था जेल में वहां पर यह भी पता चलता है कि रामकृष्ण राजू भास्कर के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त है जो कि भास्कर रामकृष्ण राजू की बेगुनाही साबित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्र ग्रंथि और फिर जो है परिणीता को बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे रंजीत और फिर रैडो के लोगों ने बंदी बना लिया था अब वहां पे बिना किसी विकल्प के रंजीत और रेडू ने रामकृष्णा राजू को जेल से छुड़वा लिया और फिर इसके बाद दोनों एक मंदिर उस शो में भास्कर और उसके परिवार पर हमला करते हुए नजर आते हैं लेकिन भास्कर के हमसकल सकांडा द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है आखिरकार रंजीत और रेडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया जब रामकृष्ण राजू ने सकांडा के बारे में पूछताछ की तो पता चलता है कि सकांडा मोरक्को का एक कुख्यात हत्यारा है जो कि यहाँ पे डैनियल नामक एक मोरक्को के स्थित और शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है फिर उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद सकांडा के दूर चले जाने पर रेडू और रंजीत रेड्डी उसके डरने उससे डरने लग जाते हैं जिससे संकेत मिलता है कि उसका अति सकंडा टू नामक सीक्वल में सामने आएगा तो फैंस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में और फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में कि कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले कहानी को समझाते हुए मैं आपको बता दी सकांडा जवान स्टार रामपूतनी और फिर आपको बता दें मास निर्देशक पहले सहयोग का प्रतीक है यह फिल्म आज से कुछ समय पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म फिल्म को रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस उतनी शानदार कमाई नहीं किया है वहीं पे दोस्तों कहानी इस की तेलंगाना के सीएम रंजीत रेड्डी शरद लोकेश का बेटा आंध्र प्रदेश के सीएम रायडू अजय पुरगर की बेटी के साथ भाग गया अब वहाँ पे गुस्से में आकर रायडू बदला लेना चाहता है लेकिन भास्कर राजू राम पोथीनी की एंट्री से पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है अब कौन है भास्कर राजू उसका आदर्श क्या है उन्होंने दोनों सेम पर निशाना क्यों साधा रामकृष्ण राजू राजू यानी कि श्रीकांत का से क्या संबंध है आपको सब कुछ फिल्म को देखने के बाद ही पता चलने वाला है फिल्म की प्लॉज पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इस फिल्म के लिए राम पोथी का प्रभावशाली परिवर्तन उल्लेखनीय है उनका बीस्ट मोड खासकर जब आप एक एक्शन दिवसों में दुश्मनों को मार गिराते हैं तो वो साधारण है जो उनकी सामूहिक उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दृश्यों में और फिर अधिक वजन जोड़ता है ये चीजें जो कि एक नायिका के रूप में श्रीलीला कम प्रवेश कम जो है प्रभावशाली है लेकिन वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है और अपनी जो शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मथुरा कर देती है श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है और भले ही इस स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है दघुबती राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है और थमन अपने उत्कृष्ट स्कोर के के लिए सराहना पात्र है जो कई को बेहतर बनाते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं बात करें फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में तो आपको बता दें जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को भूलना होगा जहाँ पे आपको बता दें ये उदाहरण बोयापति श्रीनु हाल की फिल्मों में दिया गया विशेष रूप से इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर पूरी तरह से लागू होता है इससे दृष्टि से सकांडा भी अपवाद नहीं लगता है हालांकि आपको बता दें झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित करता है लेकिन ऐसे क्षण भी सामने आते हैं जब वह सवाल करते हुए और ये कैसे संभव है ये भी एक अलग ही सवाल है फिल्म का कहानी ज्यादातर कुछ भी नया पेश करने में आगे नहीं बढ़ती है जो एक ऐसा पहलू है जिस पर जो है बयापति श्रीनु को अधिक ध्यान देने की और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है दिलचस्प तरीके से होता है लेकिन जल्द ही ये अपनी गति को खो देता है और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी हो जाती है अब दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद और तैयार करने और फिर जो है प्रशंसकों को सीट बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा और कुछ नहीं है उन्हें फिल्म की कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जो आकर्षक होना चाहिए फिल्म के गाने और उनका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है और एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने लायक है फिल्म में इंदिराजा गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है जिनका कथानक में योग्य करने के लिए बहुत कुछ नहीं है निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी जो कि थमन से कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए भी देने चाहिए था लेकिन दूसरे भाग में आपको बता दें इस फिल्म का भावनात्मक हिस्सा अच्छा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है और इसमें सुधार किया जा सकता था उसके अलावा कुछ संवाद और फिर राजनीतिक दलों को लक्षित किया गया है लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकता है खासकर बी और सी केंद्रों में बयापत्य सिरनु एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुक रहे हैं और वहीं पे एम रत्नम के संवाद फिर स्वीकार्य है और कई बार उठे खड़े कर देता है थमन का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में उड़ है और कई दृश्यों को बढ़ावा देता है संतोष दिटेक केम्राफी शीर्ष पैदान पर है खासकर लड़ाई के दृश्यों में भी संपादन ठीक ठाक है लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनुशक दृश्यों को काटा जा सकता था फिर उत्पादन मूल्यों भी काफी ज्यादा सराहनीय प्रदान करता है कुल मिलाकर सकांडा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजन फिल्म है जो रामपोथी का ठोस प्रदर्शन देखने को मिलता है और जवान एक्शन दृश्य और देखने लायक है नृत्य पेश किया गया है जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजन का आनंद लेंगे फिल्म की सरल कहानी अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं तो आप इस हफ्ते के एंडिंग में इस मूवीज को जरूर से देखिएगा ऐसा एक सौ तेईस तेलुगु ने बताया है अपने दर्शकों को दोस्तों इस वीडियो में हम सकांडा फिल्म की हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस मूवी से जुड़े अन फैक्ट को भी वीडियो में बता रहे हैं सकांडा फिल्म जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और दोस्तों सकांडा फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद थी राम पोथी नैनी को कि ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित होगी लेकिन दोस्तों मूवीज ने अपने नब्बे करोड़ के बजट के मुकाबले सिर्फ साठ करोड़ की कमाई किया है जो कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी सफलता असफलता साबित हुई है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के निर्देशक बोयापति श्रोनी की, बोया की तेलुगु मास आउटिंग सकांडा हमलावर की शुरुआत में जिसमें रामपूत श्रेलीला और और साई मंजरेकर ने अभिनय किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री सवा का बेटा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय पुरगर की बेटी के साथ वो भाग निकलता है अब यहाँ से दोनों मुख्यमंत्री जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के इसके बाद एक दूसरे पर दोनों तंज कसते हुए नजर आते हैं और अपने अपने डायलॉग्स में भी दोनों ही अपने अदाकारियों से खूब ज्यादा दुश्मनी फैलाते हुए नजर आते हैं अब दोनों में दुश्मनी होने के बाद अगर आप फिल्म को देख रहे हैं और यदि आप सोच रहे कि कौन सा सीएम जीतेगा तो आपको बता दें फिल्म के बीच में एक चरित्र खुद को सीमा बिड्डा कहते हुए सामने आता है जो कि रियल सीमा मिट्टी का बेटा के रूप में पेश करता है अपने आप को जो कि बाद में दोनों सीएम को घुटने पर लेकर आता है और एक कन्या पात्रों ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी है कि वह उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज या फिर व्यक्ति को अचार बनाने और जार में बंद करने में संकोच नहीं करेगा जहाँ पे अच्छा सकांडा को देखने का एक तरीका है और वहीं पे ऐसी पंक्तिया से खुश हो रहे क्योंकि इसमें जो है कैसे भी बहुत कुछ देखने को मिला हुआ है कहानी एक नायक को अपने पिता के दोस्त के साथ हुए अन्याय को दूर करना होगा और भले इसके लिए दो मुख्यमंत्रियों में फिल्म के अंदर मुकाबला करना पड़े सकांडा आपको बता दे हमलावर के पास वह सब कुछ से मौजूद है जो एक बोयापति श्रेणु फिल्म से उम्मीद की जा सकती है जहाँ पर धीमी गति में निष्पादित किए गए बड़े पैमाने पर एक दृश्य जिसके दौरान जो यहाँ पे सिर लुढ़ते हुए नजर आते हैं लोगों को आपको बता दे भाले या फिर खंजर पर जो है लड़ाया हुआ और फिर जो है जलाया गया शब्द यानी कि शब्द दंड पूरा जो कि तुकान शनवास से होता है जो मीन सामग्री के रूप में काम कर सकता है

यहाँ पे रुद्र राजपुरम के एक उद्यमी रुद्र ग्रंथि रामकृष्ण राजू के रूप में दिखाया गया जिसे उन अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है जो उसने नहीं दिए थे और फिर उनकी बेटी जो है साई मंजरेकर जिंदगी और मौत से जूझ रही है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक नायक को आगे आना होगा वही आपको बता दे राम एक यहाँ पे अत्यंत जो है मरदाना राक्षस की भूमिका निभाते हैं जो इन शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों से मुकाबला करते हैं जिनके चरित्र चित्रण यहाँ पे व्यंगतपूर्ण है क्योंकि फिल्म में गुंडों को भी धीमी गति वाले शॉर्ट्स में हिस्सा मिला हुआ है और राम को बहुत कुछ मिला हुआ है और एक पात्र अपनी गति को बाघ के बराबर बताता है जिसके बाद बाईस धीमी गति वाले शॉर्ट्स होते हैं इसके बाद आपको बताते संवाद में दूसरे पंति भी बोली जाती है और ये सब थोड़ा सा निराशाजनक करता है अपने दर्शकों को वही आपको बता दें ये भी दिखाया गया है कि बाहुबली फिल्म के अंदर भल्लाल देव द्वारा बड़े आकार के बैलों को वश में करने की तुलना में अभिनेता राम एक भयंकर बैलों को दवा का इंजेक्शन देकर आसानी से वश में कर लेते हैं नायक को एक के कच्चे कॉलेज छात्रा के रूप में पहले दिखाया गया है जो अपनी सहपाठी श्री को एक और औसत महिला के रूप में संदर्भित करते हैं उनका तर्क यह है कि यदि वह एक औसत दिखने वाली महिला को लुभाए और फिर उससे शादी करेगा तो वह अधिक ध्यान आकर्षित करेगा अपने ओर और, और सुंदर माना जाएगा इन औसत संदर्भों को हास्य के रूप में पेश किया जाता है और यदि आपको लगता है कि आप जो एक क्रूर चरित्र से बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर खुलासे की प्रतीक्षा करें हम बाद में बा, हमें ये बाद में बताया गया था कि वह यहाँ पे एथिकल हैंकिंग में माहिर हासिल थे जो कि स्टैनफोर्ड और फिर यूनिवर्सिटी का टॉपर था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वह केवल लोगों को हैक कर रहा है और वह ये सब कुछ अपने परिवार और अपने पिता दागुबती राजा के करीब जो है दोस्त रामकृष्ण राजू के प्यार के लिए कर रहे हैं कुमारी श्रीमती देव श्रृंखला की समीक्षा करते हुए एक शानदार नित्याम मिलन ने यहाँ पे हास्य के साथ ग्रामीण और फिर जो है उद्धव की एक कहानी प्रस्तुत की है वही प्रतिशोध और फिर जो है प्रतिशोध की एक सरल कहानी एक मिनट तक जो है चलाया गया है जिसमें आपको बता दें सैकड़ों धीमी गति वाले शॉर्ट और फिर जो है यहाँ पे तुंग बद्दी वाले संवाद शामिल है अंतरराष्ट्रीय फिल्म और फिर जो है साहित्य संदर्भ में भी कुछ किया गया जो कि इसमें डाले गए हैं किसी को यहाँ पे टार्जन कहा जाता है तो किसी को मैट्रिक्स शब्द कहा जाता है फिर पृष्ठभूमि में प्रमुखता से दिखाया गया है जब एक गुंडा हमले की योजना बनाता है फिर एक पात्र ये है और ये होना चाहिए जो कोई राम को चलती जो है, भी कहता हुआ दिखाई देता है तो गाइस कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी हिट थी लेकिन इस मूवीज़ को उतना ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है और इस फिल्म में बेहतरीन स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इस मूवीज़ मूवी की न्यू फिल्म सकंडा को देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से सीधे बात कर लेते हैं सकांडा फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसे बोयापत सीर द्वारा निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ इस फिल्म को जी स्टूडियो के सहयोग से उनके अलावा श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के तहत श्रीनिवास चित्तूरी द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है वहीं पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में श्रीलीला साई मजरेकर उनके अलावा श्रीकांत उनके अलावा शरथ उनके अलावा लोहित शो भी इस फिल्म में नजर आए हुए हैं साथ ही साथ फिल्म में अजय पुरकर उनके अलावा दगुबती राजा और प्रिंस सेसिल के साथ राम इस फिल्म में दोहरी भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं वहीं पे दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में हम बात करें तो आधिकारिक घोषणा सबसे पहले फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापत्ति रापो के तहत की गई थी जबकि दोस्तों फिल्म की आधिकारिक शीर्षक सकांडा की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और फिर अगस्त 2023 में समाप्त हुई अगर बात करें फिल्म के संगीत के बारे में तो फिल्म के संगीत थमन द्वारा तैयार किया गया था जबकि छायांकन और संपादन कर्मश संतोष डिटेक और फिर राजू द्वारा संभाला गया था वहीं आपको बता दें सकांडा फिल्म को अट्ठाईस सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला हुआ है और साथ ही साथ जिसमें फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन और फिर विशेष रूप से राम पोथीनैनी और फिर श्रीलीला के बारे में बताया गया उनके बारे में छ्यांकन किया गया और फिर पृष्ठभूमि स्कोर के बारे में लिखा गया है कि उनका एक्शन दिवसों की प्रशंसा किया गया लेकिन इसके निर्देशन और फिल्म की पटकथा के साथ फिल्म का लेखन और साउंड ऐट की आलोचना किया गया है और इस मूवी की बजट के बारे में हम बात करें तो सकांडा फिल्म को बनाने में तकरीबन नब्बे करोड़ रुपया खर्च हुआ है और नब्बे करोड़ के मुकाबले में मूवी ने उनसठ करोड़ रुपये सौदे की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पे

editing art and handled by santos the De and timir raju and respectively sakanda was released on september 2000 september 28 and 2023 to mixed to negative review from the critics with the in price and toward the cast performance and participate ram in the some to coffee background score and action sequence and the

Title as the Boyapati Rapo at the end, and, and Puja was the end held on 1 June 2020 in the Hyderabad. On 5 October 2022, Sri Lila was announcement to play the lead female role, and alongside Ram Ramputhini for the first time on 3 July 2023. or the end, was the release which the end revealed the title and Sakanda. Movie principal photography com uh, commenced on 6 October 2022 with the end for the schedule and the Ramoji Film City in Hyderabad. The second schedule and commenced in November and including action sequence. The third schedule again in January 2023. The schedule cloud a and scan the featuring the N pothineni and Sri lila.

एक वेरेट द डिजिटल एंड स्ट्रीमिंग द राइट फॉर द फिल्म एंड वॉज़ द प्राइमरेट ऑन टू नवंबर 2023 इन तेलुगु तमिल मलयालम एंड कनाडा लैंग्वेजेस से। सकांडा रिसीव मिशेड टू नेगेटिव रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स हु द प्राइज द एंड पोथीनि इज परफॉर्मेंस एंड एक्शन सीक्वेंस विल एंड क्रिएटिस इन द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले 123 telugu give the 5 and 3.5 star and varud the second is a mass action and entertainer the offered the soul and performance by the pothineni and energetic the actions and eskness and dashing root the which it will be fans and the message will enjoy this high voltage in and the film's simple story and the illogical actions sequence and हलो एंड दूस द सेकेंड हाफ मै टू बी अपील टू द ऑदर इफ यू आर फाइन एंड विज द एंड एक्सपेक्टेड यू मी गीप दिस द मूवी एंड वॉच इस द एंड वीकेंडे एंड द निशिता न्यायपति ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया गीव टू वन फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुण द सकंड इज नॉट अ फिल्म

अब अबसोडेड द कॉमेडी इन माइट इवन इविन दिल विद द एंड रेपेलेंट डूरिंग द गणेश इमरिजन द श्री निवासन एंड न दूरी ऑफ द ऑडिटी टी प्ले गिव 1.5 स्टार रेटिंग वरुण द सेकंड इज अ फिल्म धेट द एंड इवन मेक द दयापति इज़ परविजली डू यू टू द एंड डेड विनय विद्या राम मुजी मूवी इन सिम द इन फेंटली बेटर द थेर इज नॉट मेच टू बी इज़ द जस्ट बेड दरुट द फोर एंड फिल्म मेकर राम पुथीन एन द स्क्रिप्ट एंड सिलेक्शन वॉज द एंड कंटीन्यू टू द एंड कंपोजर द थमर हु इज़ द एंड नेचुरल विद द एक्श एंड एंटरटेनर एंड मिसेस दि दॉ वित्त द मेरेड अवेलासरुरी अब दिन एक्सप्रेस गिव वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुड द सेकंडा मैट जॉस दि एंड लास्ट न्यर द एंड कॉन्फिने दिस द बोयापति एंड আংগীতা দেৱী দণ্ডু অফ দ হিন্দু ক্ৰেটিছ দ ফল ৱাজ দ ব্ৰুটে এণ্ড দ নো এণ্ড নেগেটিভ দ ৰস্পছ এণ্ড কেৰেকটৰ দ মিউজিক অকশ এণ্ড চেমোগগ্ৰাফি কোৰিঅগ্ৰাফাৰ ইট দ' এণ্ড ৰিলেটেষ্ট এণ্ড চেলেব্ৰেছন অফ হাই এণ্ড ডিচাইডেবল মিছ ফাষ্ট দ ইউ মি এণ্ড ৱান টু বি কিপ ইন ইউৰ নোৱইজ দ এণ্ড কৰ্চুলৰ দন ইয়াৰ পঞ্চ टू वर्ड इन बी लोइंग पार्ट हु इज द एंड साउंड लाइक अ थियर इज दी बी वी एस प्रकाश ऑफ द एंड एंड क्रॉनिकल क्रिटाइज द बिक्रक्रीन डू एंड माइंडली ग्रुप ऑफ द एक्शंस इन द मूवी तो दोस्तों कहीं ना कहीं से इस मूवीज़ को ज़्यादातर जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिला हुआ है अगर इस मूवीज की कहानी को हम यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो दोस्तों बेटा बता दे रेडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से करने को तैयार है लेकिन शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री मंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में वहाँ पे विवाह स्थल पर प्रवेश होता है और रेड्डू की बेटी के साथ वहाँ से भाग जाता है अब इस हादसा के बाद रंजीत रेड्डी और रेड्डू क्रोधित हो जाते हैं जहाँ वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जो कि पहले कभी दोस्त हुआ करते थे अब इस बीच भास्कर राजू एक कॉलेज छात्रा है जो रेडू की बेटी और फिर रंजीत रेड्डी की बेटी श्री लीला रेड्डी जो भास्कर की सहपाठी भी है उनका अपहरण कर लेते हैं अचानक और उन्हें अपने गृहनगर रुद्र राजपुरम में लेकर चले जाते हैं अब वहाँ पे जाने के बाद यही पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप कंपनी के सीईओ द्वारा किया गया जिसका नाम है रुद्र क्रांति रामकृष्णा अब वो ये केस जो है रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है वहीं पर रंजीत रेड्डी और रेडू ने अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण उन्हें गलत तरीकों से कैद किया गया था जेल में वहां पर यह भी पता चलता है कि रामकृष्ण राजू भास्कर के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त है जो कि भास्कर रामकृष्ण राजू की बेगुनाही साबित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्र और फिर जो है परिणीता को बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे रंजीत और फिर राडू के लोगों ने बंदी बना लिया था अब वहां पे बिना किसी विकल्प के रंजीत और रेडू ने रामकृष्णा राजू को जेल से छुड़वा लिया और और फिर इसके बाद दोनों एक मंदिर उस शो में भास्कर उसके परिवार पर हमला करते हुए नजर आते हैं लेकिन भास्कर के हमसकल सकांडा द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है आखिरकार रंजीत और रैडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया जब रामकृष्णा राजू ने सकांडा के बारे में पूछताछ की तो पता चलता है कि सकांडा मोरक्को का एक कुख्यात हत्यारा है जो कि यहाँ पे डैनियल नामक एक मोरक्को स्थित और शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है फिर उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद सकांडा के दूर चले जाने पर रेडू और रंजीत रेड्डी उसके डरने उससे डरने, डरने लग जाते हैं जिससे संकेत मिलता है कि उसका अति सकंडा टू नामक सीक्वल में सामने आएगा तो फैंस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है आइए दोस्तों बात कर लेते फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में और फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में कि कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले कहानी को समझाते हुए मैं आपको बता दें सकंडा जवान स्टार रामपूतने और फिर आपको बता दें मास निर्देशक बयापत्तीस से के पहले सहयोग का प्रतीक है ये फिल्म आज से कुछ समय पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतनी शानदार कमाई नहीं किया है वहीं पे दोस्तों कहानी इस तेलंगाना की, की सीएम रंजीत रेड्डी का बेटा आंध्र प्रदेश के सीएम रायडू अजय पुरगर की बेटी के साथ भाग गया अब वहाँ पे गुस्से में आकर रायडू बदला लेना चाहता है लेकिन भास्कर राजू राम पोते नि की एंट्री से पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है अब कौन है भास्कर राजू उसका आदर्श क्या है उन्होंने दोनों सीम पर निशाना क्यों साधा रुद्र ग्रंथि रामकिशन राजू यानी कि श्रीकांत का राजू से क्या संबंध है ये आपको सब कुछ फिल्म को देखने के बाद ही पता चलने वाला है फिल्म की प्लॉट पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इस फिल्म के लिए रामपोथी नीनिका परभास शैली परिवर्तन उल्लेख किया है उनका बिष्ट मोड खासकर जब आप एक एक्शन दृश्यों में दुश्मनों को मार गिराते हैं तो वह साधारण है जो उनकी समवय उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दिवसों में और फिर अधिक वजन जोड़ता है ये चीज़ें जो कि एक नायिका के रूप में श्रीलीला कम प्रवेश कम जो है प्रभावशाली है लेकिन वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है और अपनी जो है शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मथुरा मुख कर देती है श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है और भले ही स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है दघुवती राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है और थमन अपने उत्कृष्ट स्कोर के लिए सराहना के पात्र है जो कई दिवसों को बेहतर बनाते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं बात करें फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में तो आपको बता दें जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को भूलना होगा जहा पे आपको बता दें ये उदाहरण बोयापति श्रेणु की हाल की फिल्मों में दिया गया विशेष रूप से इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर पूरी तरह से लागू होता है इससे दृष्टि से सकांडा भी अपवाद नहीं लगता है हालांकि आपको बता दें झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित करता है लेकिन ऐसे क्षण भी सामने आते हैं जब वह सवाल करते हुए और ये कैसे संभव है ये भी एक अलग ही सवाल है फिल्म का कहानी ज़्यादातर कुछ भी नया पेश करने में आगे नहीं बढ़ती है जो एक ऐसा पहलू है जिस पर जो है बोयापति श्रीनु को अधिक ध्यान देने की और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है दिलचस्प तरीके से होता है लेकिन जल्द ही ये अपनी गति को खो देता है और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी हो जाती है अब दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद और और तैयार करने फिर प्रशंसकों को बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा और कुछ नहीं है उन्हें फिल्म की कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जो आकर्षक होना चाहिए फिल्म के गाने और उनका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है और एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने लायक है फिल्म में इंदिराजा गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है जिनका कथानक में योग्य करने के लिए बहुत कुछ नहीं है निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी जो कि थमन से कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए भी देने चाहिए था लेकिन दूसरे भाग में आपको बता दें इस फिल्म का भावनात्मक हिस्सा अच्छा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है और इसमें सुधार किया जा सकता था उसके अलावा कुछ संवाद और फिर राजनीतिक दलों को लक्षित किया गया है लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकता है खासकर बी और सी केंद्रों में बयापति सिरनु एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुक रहे हैं और वहीं पे एम रत्नम के संवाद फिर स्वीकारिया है और कई बार उंगठे खड़े कर देता है थमन का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में ऊर्जावान है और कई दृश्यों को बढ़ावा देता है संतोष दिटेक के सीनेटोग्राफी शीर्ष पैदान पर है खासकर लड़ाई के दृश्यों में भी संपादन ठीक ठाक है लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनुश्चित दृश्यों को काटा जा सकता था फिर उत्पादन मूल्यों भी काफी ज्यादा सराहनीय प्रदान करता है कुल मिलाकर सकांडा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजन फिल्म है जो राम का ठोस प्रदर्शन देखने को मिलता है और जवान एक्शन दृश्य और देखने लायक है नृत्य पेश किया गया है जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजन का आनंद लेंगे फिल्म की सरल कहानी अतर्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं तो आप इस हफ्ते के एंडिंग में इस मूवीज को जरूर से देखिएगा ऐसा एक सौ तेईस तेलुगु ने बताया है अपने दर्शकों को दोस्तों इस वीडियो में हम सकांडा फिल्म की हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस है। है। साबित होगी लेकिन दोस्तों मूवीज ने अपने नब्बे करोड़ के बजट के मुकाबले सिर्फ साठ करोड़ की ही कमाई किया है जो कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी सफलता असफलता साबित हुई है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के निर्देशक बोयापति सर लगु मास आउटिंग सकांडा हमलावर की शुरुआत में जिसमें रामपुथिननी और स्रिलीला और साई मंज रेकण ने अभिनय किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्रत लुईस सवा का बेटा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय पुरगर की बेटी के साथ वह भाग निकलता है अब यहां से दोनों मुख्यमंत्री जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के इसके बाद एक दूसरे पर दोनों तंज कसते हुए नजर आते हैं और अपने अपने डायलॉग्स में भी दोनों ही अपने अदाकारियों से खूब ज्यादा दुश्मनी फैलाते हुए नजर आते हैं अब दोनों में दुश्मनी होने के बाद अगर आप फिल्म को देख रहे हैं और यदि आप सोच रहे कि कौन सा सीएम जीतेगा तो आपको बता दें फिल्म के बीच में एक चरित्र खुद को सीमा बिड्डा कहते हुए सामने आता है जो कि रियल सीमा मिट्टी का बेटा के रूप में पेश करता है अपने आप को जो कि बाद में दोनों सीएम को घुटने पर लेकर आता है और एक कन्या पात्रों ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी है कि वह उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज या फिर व्यक्ति को अचार बनाने और जार में बंद करने में संकोच नहीं करेगा जहाँ पे अच्छा सकांडा को देखने का एक तरीका है और वहीं पे ऐसी पंक्तियां से खुश हो रहे क्योंकि इसमें जो है कैसे भी बहुत कुछ देखने को मिला हुआ है कहानी एक नायक को अपने पिता के दोस्त के साथ हुए अनाय को दूर करना होगा और भले इसके लिए दो मुख्यमंत्रियों में फिल्म के अंदर मुकाबला करना पड़े सकांडा आपको बता दे हमलावर के पास वह सब कुछ से मौजूद है जो एक बोयापति श्रेणु फिल्म से उम्मीद की जा सकती है जहाँ पर धीमी गति में निष्पादित किए गए बड़े पैमाने पर एक दृश्य जिसके दौरान जो है लुढ़ते हुए नजर आते हैं लोगों को आपको बता दे भाले या फिर खंजर पर जो है लड़ाया हुआ और फिर जो है जलाया गया शब्दा शब्द यानी कि शब्द दंड पूरे जो कि तुकान शनवास से होता है जो मीन सामग्री के रूप में काम कर सकता है अतिरिक्त तेज के बारे में हम बात कर ले तो अतिरिक्त तेज संगीत और फिर जो जो है 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 इस थमन को संक्षेप में कहा गया कि ड्रम लाए और लगातार जो आवाज तेज रखे उन महिलाओं का नेतृत्व करे जिनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है कोई और निश्चिंत रूप से बारीफ की और फिर जो क्षमता की उम्मीद नहीं किया गया है लेकिन सगांडा एक यहाँ पे शांत शक्ति प्रशिक्षण और इंद्रियों पर हमला जरूर करता है इसी के साथ आपको बता दें प्रस्तावना में श्रीकांत को यहाँ पे रुद्र राजपुरम के एक उद्यमी रुद्र ग्रंथी रामकृष्ण राजू के रूप में दिखाया गया जिसे उन अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है जो उसने नहीं दिए थे और फिर उनकी बेटी जो है साई मंजरेकर जिंदगी और मौत से जूझ रही है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक नायक को आगे आना होगा वहीं आपको बता दें राम एक यहाँ पे अत्यंत जो है मर्दाना राक्षस की भूमिका निभाते हैं जो इन शक्तिशाली मुख्य से मुकाबला करते हैं जिनके चरित्र चित्रण चित्र पे व्यंगतपूर्ण है क्योंकि फिल्म में गुंडों को भी धीमी गति वाले शॉर्ट्स में हिस्सा मिला हुआ है और राम को बहुत कुछ मिला हुआ है और एक पात्र अपनी गति को बाघ के बराबर बताता है जिसके बाद बाईस धीमी गति वाले शॉर्ट्स होते हैं इसके बाद आपको बता दें संवाद में दूसरे पंक्ति भी बोली जाती है और ये सब थोड़ा सा निराशाजनक करता है अपने दर्शकों को वही आपको बता दी ये भी दिखाया गया है कि बाहुबली फिल्म के अंदर भल्लाल देव द्वारा बड़े आकार के बैलों को वश में करने की तुलना में अभिनेता राम एक भयंकर बैलों को दवा का इंजेक्शन देकर आसानी से वश में कर लेते हैं नायक को एक के कच्चे कॉलेज छात्रा के रूप में पहले दिखाया गया है जो अपनी सहपाठी श्रीलीला को एक और औसत जो है महिला के रूप में संदर्भित करते हैं उनका तर्क यह है कि यदि वह एक औसत दिखने वाली महिला को लुभाए और फिर उससे शादी करेगा तो वह अधिक ध्यान आकर्षित करेगा अपने और, और सुंदर माना जाएगा इन औसत संदर्भों को हास्य के रूप में पेश किया जाता है और यदि आपको लगता है कि आप जो एक क्रूर चरित्र से बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे खुलासे की प्रतीक्षा करें हम बाद में ब, हमें ये बाद में बताया गया था कि वह यहाँ पर एथिकल हैंकिंग में माहिर हासिल थे जो कि स्टैनफोर्ड और फिर यूनिवर्सिटी का टॉपर था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वह केवल लोगों को हैक कर रहा है और वह ये सब कुछ अपने परिवार और अपने पिता दागुबती राजा के करीब जो है दोस्त रामकृष्ण राजू के प्यार के लिए कर रहे हैं कुमारी श्रीमती देव श्रृंखला की समीक्षा करते हुए एक शानदार नित्या मिलन ने यहाँ पे हास्य के साथ ग्रामीण और फिर जो है उद्धव की एक कहानी प्रस्तुत की है वही प्रतिशोध और फिर जो है प्रतिशोध की एक सरल कहानी एक मिनट तक जो है चलाया गया है जिसमें आपको बता दें सैकड़ों और फिर जो है यहाँ पे तुंग बद्दी वाले शामिल है अंतरराष्ट्रीय फिल्म और फिर जो है साहित्य संदर्भ में भी कुछ किया गया जो कि इसमें डाले गए हैं किसी को यहाँ पे टार्जन कहा जाता है तो कि, किसी को मैट्रिक्स शब्द कहा जाता है फिर पृष्ठभूमि में प्रमुखता से दिखाया गया है जब एक गुंडा हमले की योजना बनाता है फिर एक पात्र यह है और ये होना चाहिए जो कोई राम को चलती फिरती जो है, रोल भी कहता हुआ दिखाई देता है तो गाइस कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी हिट थी लेकिन इस मूवीज को उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है और इस फिल्म में बेहतरीन स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इस मूवीज़ ने मूवीजनी की न्यू फिल्म सकांडा को देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से सीधे बात कर लेते हैं सकांडा फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसे बोयापत सीर द्वारा निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ इस फिल्म को जी स्टूडियो के सहयोग से उनके अलावा श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के तहत श्रीनिवास चितूरी द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है वहीं पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में श्रीलीला साइमन जरेकर उनके अलावा श्रीकांत उनके अलावा श्रथ उनके अलावा लोहित शॉव भी इस फिल्म में नजर आए हुए हैं साथ ही साथ फिल्म में अजय पुरकर, उनके दगुबती राजा और सेसिल के साथ राम आधिकारिक घोषणा के बारे में हम बात करें तो आधिकारिक घोषणा सबसे पहले फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति रापो के तहत की गई थी जबकि दोस्तों फिल्म की आधिकारिक शीर्षक सकांडा की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और फिर अगस्त 2023 में समाप्त हुई अगर बात करें फिल्म के संगीत के बारे में तो फिल्म के संगीत थमन एस द्वारा तैयार किया गया था जबकि और संपादन कर्मश संतोष डिटेक और फिर द्वारा संभाला गया था वहीं आपको बता दें सकांडा फिल्म को अट्ठाईस सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला हुआ है और साथ ही साथ जिसमें फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन और फिर विशेष रूप से राम पोथी पोथीनैनी और फिर श्रीलीला के बारे में बताया गया उनके बारे में छ्यांकन किया गया और फिर प्रश्नभूमि स्कोर के बारे में लिखा गया है कि उनका एक्शन दिवसों की प्रशंसा किया गया लेकिन इसके निर्देशन और फिल्म की पथकथा के साथ फिल्म का लेखन और साउंड डेट की आलोचना किया गया है और इस मूवी की बजट के बारे में हम बात करें तो सकांडा फिल्म को बनाने में तकरीबन नब्बे करोड़ रुपया खर्च हुआ है और नब्बे करोड़ के मुकाबले में मूवी ने उनसठ करोड़ रुपये सौदे की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पे

editing art the and handle by Santos thede and timur Raju and respectively Sakanda was released on September 2000 September 28 and 2023 the mixed to negative review from the critics with the in price and toward the cast performance and participate. Ram the some to background score and action sequence and the critics in the directions and screen writing and sounded the film grossed the 59 crore and against the budget 90 crore and become of the box office the end disappointed on 18 february 2022 and Srinivasan Silver Screen Srinivasan Silver Screen announcement the their next film which in the directed by boy Srinu. and wall star ram in the lead role it is the was and the tentatively Title as the Boyapati Rapo at the end, Marhul and Pooja was the end held on 1 June 2020 in the Hyderabad. On 5 October 2022, Sri Lila was announcement to play the lead female role. And alongside Ramputhini for the first time on 3 July 2023, at the end, grandpa was the release which the end revealed the title and Sakanda. मोवी पिंसीपल फोटोग्राफी कॉमेंसेड ऑन सिक्स अक्टूबर तू थाजेंड ट्वेंटी टू वित एंड फर्द सचिड्युल एंड द रामजी फिल्म सिटी इन हैदराबाद द सेकेंड सचिड्यूल एंड कॉमेंसेड इन नफम्बर एंड इन क्लाउडिंग एक्शन सीकुवेंस दर्ड सचिड्यूल एगैन इन जनवरी तू थाजेंड ट्वेंटी थ्री द सचेड्युल इन क्लाउड एंड एस कें द फ्यूचरंग एंड पोथी एंड सरी लीला Sakanda was the Intel's to release on 20 October 2023 in Telugu along with the Introvert version of Hindi, Tamil, Kannada, and Malayalam language, but was the end profanate to at September 2023. The still the end right of the film and is secured by the Disney star in the uh, regional the language and uh, regularly language, will the Hindi version with the sold to g cinema Disney Plus star and uh, एक वेरट द डिजिटल एंड स्ट्रीमिंग द राइट फॉर द फिल्म एंड वॉज द प्राइमरेट ऑन टू नवंबर 2023 इन तेलुगू तमिल मलयालम एंड कनाडा लैंग्वेजेस सकांडा रिसीव मिक्सियड टू नेगेटिव रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स हु द प्राइज द एंड पोथीनि इज़ परफॉर्मेंस एंड एक्शंस सीक्वेंस विल एंड क्रिएटिस इन द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले 123 telugu give the five and three point five star and varud the second is a mass action and entertainer the offered the sold and performance by the Pothineni and uh, energetic the actions and skinness and uh, dashing varud which it the will be fans and the message will enjoy this high voltage entertain and the film's simple story and the illogical actions sequence and uh, अलो एंड द इस लोज इज द सेकेंड हाफ मैट टू बी अपील टू द ओदर इफ यू आर फाइन एंड दिस द एंड एक्सपेक्टेड यू मी गिव दिस द मूवी एंड वॉच इज द एंड वीकेंडे एंड द निशिता न्यायपति ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया गिव टू बन स्टार रेटिंग एंड वरुण द सकंड इज नॉट अ फिल्म

अब अवसोडेड द कॉमेडी इन माइट इवन इविन दुल विथ द एंड रिपेल डूरिंग द गणेश इमरिजन द श्री निवासन एंड न दूरी अफ द ऑडिटी टी प्ले गिव 1.5 स्टार रेटिंग वरुद द सेकंड इज अ फिल्म धेट द एंड इवेट मेकअ बोयापति इज पर डू यू टू द एंड डेड विनय विद्या राम मूवी इन सिम द इन फेंटली बेटर द थेर इज नॉट मेच टू बी इस द जस्ट बेट दरुट द फोर एंड फिल्म मेकर रामपुथीन एन इस द स्क्रिप्ट एंड सिलेक्शन वॉज द एंड कंटिन्व टू द एंड कंपोजर दमन हु द एंड नेचुरल विद द एक्शन एंड एंटरटेनर एंड मिसिस दॉस वितिथ द मेरेड अवेलासरुकुरी अब दिन एक्सप्रेस की वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुद द सेकंडा माइक जॉस द एंड लास्ट ने एंड कॉन्फिडेंट दिज द बोयापति एंड फॉर्मुला बद और संगीता देवी दंडू अब द हिंदू क्रिटिशन द फिल्म वॉज द सकन्दा इस अ ब्रूटे एंड द नो एंड नेगेटिव द रिस्पॉन्स एंड कैरेक्टर द म्यूजिक और एक्शंस एंड सेमटोग्राफी कोरियोग्राफर इट द शो एंड Uh, Relates the end celebration of high and decidable miss. Fast the you, me, and want to be keep in your and your noise. The end, calculate the end, air -er, punch, and with the two word in will be Lord the and going to be part. Who is the end sound like a uh, there is Is the BVS Prakash of the end, recount the end chronicle, uh, criticized the big the end screen where it do and uh, madly group the actions in the movie. तो दोस्तों कहीं ना कहीं से इस मूवीज को ज्यादातर जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिला हुआ है अगर इस मूवीज की कहानी को हम यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो दोस्तों बता रेडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से करने को तैयार है लेकिन शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री मंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में वहाँ पे विवाह स्थल पर प्रवेश पर होता है और रेडू की बेटी के साथ वहाँ से भाग जाता है अब इस हादसा के बाद रंजीत रेड्डी और रेडू क्रोधित हो जाते हैं जहां वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जो कि पहले कभी दोस्त हुआ करते थे अब इस बीच भास्कर राजू एक कॉलेज छात्रा है जो रेडो की बेटी और फिर रंजीत रेड्डी की बेटी श्री लीला रेड्डी जो भास्कर की सहपाठी भी है उनका अपहरण कर लेते हैं अचानक और उन्हें अपने गृहनगर रुद्र राजपुरम में लेकर चले जाते हैं अब वहां पे जाने के बाद यही पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप कंपनी के सीईओ द्वारा किया गया जिसका नाम है रुद्र क्रांति रामकृष्णा अब वो ये केस जो है रुद्रग्रांति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए है जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है वहीं पर रंजीत रेड्डी और रेडू ने अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण उन्हें गलत तरीकों से कैद किया गया था जेल में वहां पर यह भी पता चलता है कि रामकृष्ण राजू भास्कर के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त है जो कि भास्कर रामकृष्ण राजू की बेगुनाही साबित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्र ग्रंथी और फिर जो है परिणीता को बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे रंजीत और फिर रायडो के लोगों ने बंदी बना लिया था अब पे बिना किसी विकल्प के रंजीत और रेडू ने रामकृष्णा राजू को जेल से छुड़वा लिया और फिर इसके बाद दोनों एक मंदिर उस शो में भास्कर और उसके परिवार पर हमला करते हुए नजर आते हैं लेकिन भास्कर के हमसकल सकांडा द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है आखिरकार रंजीत और रेडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया जब रामकृष्ण राजू ने सकांडा के बारे में पूछताछ की तो पता चलता है कि सकांडा मोरक्को का एक कुख्यात हत्यारा है जो कि यहाँ पे डैनियल नामक एक मोरक्को पे स्थित और शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है फिर उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद सकांडा के दूर चले जाने पर रेडू और रंजीत रेड्डू उसके डरने उससे डरने लग जाते हैं जिससे संकेत मिलता है कि उसका अतिश सकंड नामक सीक्वल में सामने आएगा तो फैंस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है आइए दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में और फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में कि कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले कहानी को समझाते हुए मैं आपको बता दी सकंडा स्टार रामपूत ने और फिर आपको बता दें मास निर्देशक पहले सहयोग का प्रतीक है यह फिल्म आज से कुछ समय पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में उतनी शानदार कमाई नहीं किया है वहीं पे दोस्तों कहानी इस मुवीज की तेलंगाना के सीएम रंजीत रेड्डी शरद लोगेश का बेटा आंध्र प्रदेश के सीएम रायडू अजय पुरगर की बेटी के साथ भाग गया अब वहाँ पे गुस्से में आकर रेडू बदला लेना चाहता है लेकिन भास्कर राजू राम पोथी निनी की एंट्री से पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है अब कौन है भास्कर राजू उसका आदर्श क्या है उन्होंने दोनों सीम पर निशाना क्यों साधा रुद्र ग्रंथी रामकृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत का राजू से क्या संबंध है ये आपको सब कुछ फिल्म को देखने के बाद ही पता चलने वाला है फिल्म की प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इस फिल्म के लिए राम पोथी निनी का प्रभावशाली परिवर्तन उल्लेखनीय है उनका बेस्ट मोड खासकर जब आप एक एक्शन दिवसों में दुश्मनों को मार गिराते हैं तो वो साधारण है जो उनकी सामूहिक उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दिवसों में और फिर अधिक वजन जोड़ता है ये चीजें जो कि एक नायिका के रूप में श्रीलीला कम प्रवेश कम जो है प्रभावशाली है लेकिन वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है और अपनी जो है शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मथुरा मुख कर देती है श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है और भले ही इस स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है दगुबती राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है और थमन अपने उत्कृष्ट स्कोर के लिए सराहना के पात्र है जो कई दिवसों को बेहतर बनाते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं बात करें फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में तो आपको बता दें जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को भूलना होगा जहाँ पे आपको बता दें ये उदाहरण बोयापति श्रेणु की हाल की फिल्मों में दिया गया विशेष रूप से इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर पूरी तरह से लागू होता है इस दृष्टि से सकांडा भी अपवाद नहीं लगता है हालांकि आपको बता दें झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित करता है लेकिन ऐसे क्षण भी सामने आते हैं जब वह सवाल करते हुए और ये कैसे संभव है ये भी एक अलग ही सवाल है फिल्म का कहानी ज्यादातर कुछ भी नया पेश करने में आगे नहीं बढ़ती है जो एक ऐसा पहलू है जिस पर जो है बयापति श्रीनु को अधिक ध्यान देने की और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है दिलचस्प तरीके से होता है लेकिन जल्द ही ये अपनी गति को खो देता है और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी हो जाती है अब दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद और तैयार करने और फिर जो है प्रशंसकों को सीटियाँ बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा और कुछ नहीं है उन्हें फिल्म की कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जो आकर्षक होना चाहिए फिल्म के गाने और उनका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है और एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने लायक है फिल्म में इंदिराजा गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है जिनका कथानक में योग्य करने के लिए बहुत कुछ नहीं है निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी जो कि थमन से कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए भी देने चाहिए था लेकिन दूसरे भाग में आपको बता दें इस फिल्म का भावनात्मक हिस्सा अच्छा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है और इसमें सुधार किया जा सकता था उसके अलावा कुछ संवाद और फिर राजनीतिक दलों को लक्षित किया गया है लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकता है खासकर बी और सी केंद्रों में बोयापति सिरनु एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुक रहे हैं और वहीं पे एम रत्नम के संवाद फिर स्वीकार्य है और कई बार उठे खड़े कर देता है थमन का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में उर्जवान है और कई दृश्यों को बढ़ावा देता है संतोष के केम्राफी शीर्ष पैदान पर है खासकर लड़ाई के दृश्यों में भी संपादन ठीक ठाक है लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनुशक दृश्यों को काटा जा सकता था फिर उत्पादन मूल्यों भी काफी ज्यादा सराहनीय प्रदान करता है कुल मिलाकर सकांडा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजन फिल्म है जो राम पोथिनेनी का ठोस प्रदर्शन देखने को मिलता है और जवान एक्शन दृश्य और देखने लायक है नृत्य पेश किया गया है जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजन का आनंद लेंगे फिल्म की सरल कहानी अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं तो आप इस हफ्ते के एंडिंग में इस मूवीज को जरूर से देखिएगा ऐसा एक सौ तेईस तेलुगु ने बताया है अपने दर्शकों को दोस्तों इस वीडियो में हम सकांडा फिल्म की हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस मूवी से जुड़े अन फैक्ट को भी वीडियो में बता रहे हैं सकांडा फिल्म जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और दोस्तों सकांडा फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद थी राम पोथी नेनी को कि ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित होगी लेकिन दोस्तों मूवीज ने अपने नब्बे करोड़ के बजट के मुकाबले सिर्फ साठ करोड़ की कमाई किया है जो कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी सफलता असफलता साबित हुई है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के निर्देशक बोयापति की, बोया की तेलुगु मास आउटिंग सकंडा हमलावर की शुरुआत में जिसमें और और साई ने अभिनय किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री सवा का बेटा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय पुरगर की बेटी के साथ वो भाग निकलता है अब यहाँ से दोनों मुख्यमंत्री जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के इसके बाद एक दूसरे पर दोनों तंज कसते हुए नजर आते हैं और अपने अपने डायलॉग्स में भी दोनों ही अपने अदा से खूब ज्यादा दुश्मनी फैलाते हुए नजर आते हैं अब दोनों में दुश्मनी होने के बाद अगर आप फिल्म को देख रहे हैं और यदि आप सोच रहे कि कौन सा सीएम जीतेगा तो आपको बता दें फिल्म के बीच में एक चरित्र खुद को सीमा बिड्डा कहते हुए सामने आता है जो कि रियल सीमा मिट्टी का बेटा के रूप में पेश करता है अपने आप को जो कि बाद में दोनों सीएम को घुटने पर लेकर आता है और एक कन्या पात्रों ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी है कि वह उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज या फिर व्यक्ति को अचार बनाने और जार में बंद करने में संकोच नहीं करेगा जहाँ पे अच्छा सकांडा को देखने का एक तरीका है और वहीं पे ऐसी पंक्तियां से खुश हो रहे क्योंकि इसमें जो है कैसे भी बहुत कुछ देखने को मिला हुआ है कहानी एक नायक को अपने पिता के दोस्त के साथ हुए अन्याय को दूर करना होगा और भले इसके लिए दो मुख्यमंत्रियों में फिल्म के अंदर मुकाबला करना पड़े सकांडा आपको बता दे हमलावर के पास वह सब कुछ से मौजूद है जो एक बोयापति श्रेणु फिल्म से उम्मीद की जा सकती है जहाँ पर धीमी गति में निष्पादित किए गए बड़े पैमाने पर एक दृश्य जिसके दौरान जो है पे सिर लुढ़ते हुए नजर आते हैं लोगों को आपको बता दे भाले या फिर खंजर पर जो है लड़ाया हुआ और फिर जो है जलाया गया शब्द यानी कि शब्द दंड जो कि तुकान शनवास से होता है जो मीन सामग्री के रूप में काम कर सकता है अतिरिक्त तेज के बारे में हम बात कर ले तो अतिरिक्त तेज संगीत और फिर जो है इस थमन को में कहा गया कि जो है लाए और लगातार नहीं है कोई और निश्चिंत रूप से बारीकी और फिर जो क्षमता की उम्मीद नहीं किया गया है लेकिन सकंडा एक यहाँ पे शहन शक्ति प्रशिक्षण और इंद्रियों पर हमला जरूर करता है इसी के साथ आपको बता दे प्रस्तावना में श्रीकांत को यहाँ पे रुद्र राजपुरम के एक उद्यमी रुद्र ग्रंथी रामकृष्ण राजू के रूप में दिखाया गया जिसे उन अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है जो उसने नहीं दिए थे और फिर उनकी बेटी जो है साई मंजरेकर जिंदगी और मौत से जूझ रही है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक नायक को आगे आना होगा वही आपको बता दें राम एक यहाँ पे अत्यंत जो है मर्दाना राक्षस की भूमिका निभाते हैं जो इन शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों से मुकाबला करते हैं इनके चरित्र चित्र यहाँ पे व्यंगतपूर्ण है क्योंकि फिल्म में गुंडों को भी धीमी गति वाले शॉर्ट्स में हिस्सा मिला हुआ है और राम को बहुत कुछ मिला हुआ है और एक पात्र अपनी गति को बाघ के बराबर बताता है जिसके बाद बाईस धीमी गति वाले शॉर्ट्स होते हैं इसके बाद आपको बता दें संवाद में दूसरी पंक्ति भी बोली जाती है और ये सब थोड़ा सा निराशाजनक करता है अपने दर्शकों को वही आपको बता दी ये भी दिखाया गया है कि बाहुबली फिल्म के के अंदर भल्लाल देव द्वारा बड़े आकार बैलों को वश में में करने की तुलना अभिनेता राम एक भयंकर बैलों को दवा का इंजेक्शन देकर आसानी से वश में कर लेते हैं नायक को एक के कच्चे कॉलेज छात्र के रूप में पहले दिखाया गया है जो अपनी सहपाठी श्री लीला को एक और औसत जो है महिला के रूप में संदर्भित करते हैं उनका तर्क यह है कि यदि वह एक औसत दिखने वाली महिला को लुभाए और फिर उससे शादी करेगा तो वह अधिक ध्यान आकर्षित करेगा अपने ओर और, और सुंदर माना जाएगा इन औसत संदर्भों को हास्य के रूप में पेश किया जाता है और यदि आपको लगता है कि आप जो एक क्रूर चरित्र से बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे खुलासे की प्रतीक्षा करें हम बाद में बा, हमें ये बाद में बताया गया था कि वह यहाँ पर एथिकल हैंकिंग में माहिर हासिल थे जो कि स्टैनफोर्ड और फिर यूनिवर्सिटी का टॉपर था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वह केवल लोगों को हैक कर रहा है और वह ये सब कुछ अपने परिवार और अपने पिता दागुबती राजा के करीब जो है दोस्त रामकृष्ण राजू के प्यार के लिए कर रहे हैं कुमारी श्रीमती देव श्रृंखला की समीक्षा करते हुए एक शानदार नित्या मिलन ने यहाँ पे हास्य के साथ ग्रामीण और फिर जो है उद्धव की एक कहानी प्रस्तुत की है वही प्रतिशोध और फिर जो है प्रतिशोध की एक सरल कहानी एक मिनट तक जो है चलाया गया है जिसमें आपको बता दें सैकड़ों और फिर जो है यहाँ पे शामिल है अंतरराष्ट्रीय फिल्म और फिर जो है साहित्य संदर्भ में भी कुछ किया गया जो कि इसमें डाले गए हैं किसी को यहाँ पे टार्जन कहा जाता है तो किसी को मैट्रिक्स शब्द कहा जाता है फिर पृष्ठभूमि में प्रमुखता से दिखाया गया है जब एक गुंडा हमले की योजना बनाता है फिर एक पात्र ये है और ये होना चाहिए जो कोई राम को चलती फिरते कहता हुआ दिखाई देता है तो गाइस कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी हिट थी लेकिन इस मूवीज को उतना ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है और इस फिल्म में बेहतरीन स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इस मूवीन की न्यू फिल्म सकांडा को देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से सीधे बात कर लेते हैं सकंडा फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसे बोयापत सीर द्वारा निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ इस फिल्म को जी स्टूडियो के सहयोग से उनके अलावा श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के तहत श्रीनिवास चित्तूरी द्वारा इस फिल्म को निर्मित किया गया है वहीं पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में श्रीलीला साइमन जरेकर उनके अलावा श्रीकांत उनके अलावा श्रथ उनके अलावा लोहित शॉ भी इस फिल्म में नजर आए हुए हैं साथ ही साथ पुरकर उनके दगुबती राजा और सेसिल के साथ राम इस फिल्म में दोहरी भूमिकाओं में आधिकारिक घोषणा के बारे में हम बात करें तो आधिकारिक घोषणा सबसे पहले फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति रापो के तहत की गई थी जबकि दोस्तों फिल्म की आधिकारिक शीर्षक सकांडा की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और फिर अगस्त 2023 में समाप्त हुई अगर बात करें फिल्म के संगीत के बारे में तो फिल्म के संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया था जबकि और और संपादन संतोष डिटेक और फिर जो है द्वारा संभाला गया था वहीं आपको बता दें सकांडा फिल्म को अट्ठाईस सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला हुआ है और साथ ही साथ जिसमें फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन और फिर विशेष रूप से राम पोथीनैनी और फिर श्रीलीला के बारे में बताया गया उनके बारे में छ्यांकन किया गया और फिर प्रश्नभूमि स्कोर के बारे में लिखा गया है कि उनका एक्शन दिवसों की प्रशंसा किया गया लेकिन इसके निर्देशन और फिल्म की पथकथा के साथ फिल्म का लेखन और साउंड ऐट की आलोचना किया गया है और इस मूवी की बजट के बारे में हम बात करें तो सकांडा फिल्म को बनाने में तकरीबन नब्बे करोड़ रुपया खर्च हुआ है और नब्बे करोड़ के मुकाबले में मूवी ने उनसठ करोड़ रुपये सदी की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म निराशाजनक साबित हुई है द फिल्म इन फरवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी जुलाई टू था एंड द प्रिपल फोटोग्राफी बिगेन इन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड इन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द म्यूजिक इज कम्पोज बॉय थमन एसिल एंड्राफी एंड editing art and handle by Santos Dedev and Timir Raju and respectively. Sakanda was released on September 2000, September 28 and 2023 to the sure to negative review from the critics with the in price and toward the cast performance and participate Ram and to coffee background score and action sequence and the critics in the directions and screen writing and sounded the film grossed the 59 crore and against the budget 90 crore and become of the box office the end disappointed on 18 february 2022 and Srinivasan was on silver screen Srinivasan was silver screen announcement the third next film which in the directed by boy Srinu. and wall star ramputhini in the lead role it is the was and the tentatively Title as the Boyapati Rapo either the end, Mahul and, and Puja was the end held on 1 June 2020 in the Hyderabad. On 5 October 2022, Sri Lila was announcement to play the lead female role, and alongside Ramputhini for the first time on 3 July 2023. other the end, was the release which the end revealed the title and Sakanda. Movie principal photography com uh, commenced on 6 October 2022 with the end for the schedule in the Ramoji Film City in Hyderabad. The second schedule and commenced in November and in clouding action sequence. The third schedule again in January 2023. The schedule in cloud A and is featuring the featuring the and Sri lila.

एक वेरेट द डिजिटल एंड स्ट्रीमिंग द राइट फॉर द फिल्म एंड वॉज द प्राइमरेट ऑन टू नवंबर 2023 इन तेलुगू तमिल मलयालम एंड कनाडा लैंग्वेजेस सकांडा रिसीव मिक्सियड टू नेगेटिव रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स हु द प्राइज द एंड पोथीनि इज परफॉर्मेंस एंड एक्शर्स सिक्वेंस विल एंड क्रिटिस इन द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले 123 telugu give the 5 and 3.5 star and varud the second is a mass action and entertainer the offered the soul and performance by the Putineni and uh, energetic the actions and skinness and uh, dancing varud the which the will be fans and the message uh, will enjoy this high voltage in and the film's simple story and the illogical actions sequence and uh, हलो एंड द एस लोज इस द सेकेंड हाफ माइ टू बी अपील टू द ऑदर इफ यू आर फाइन एंड वित दिसज द एंड एक्सपेक्टेड यू मी गिव दिस द मूवी एंड वॉच इस द एंड विकेंडे एंड द निशिता न्यायपति ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया गीव टू पर फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुण द सकंड इज़ नॉट अ फिल्म you expected the analogic from the between the it is the has only tram and a few action sequence going for the there is not much left to the entertaining either and percast the end pageant of the south first give 1.5 star rating what the second are regular routing and the formula and narrative of the boyapati Renu. it is the end in count the end mini allows the end open into the mass and audience with the end logically story and. अबसोडेड द कॉमेडी इन माइट इवेन दुल विद द एंड रेवेलेंट डूरिंग द गणेश इमरिजन द श्री निवासन एंड न दूरी अब द ओ टी टी प्ले गिव वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग वरुट द सेकंड इज अ फिल्म धेट द एंड इवेट मेक दयापति इज़ परविजली डू यू टू द एंड डेड विनय विद्या राम मुजी मूवी इन सिम द इन फेंटली बेटर द थेर इज नॉट मेच टू बी इस द जस्ट बेट दी वरुड द फोर एंड फिल्म मेकर ने इज़ द स्क्रिप्ट एंड सिलेक्शन वॉज द एंड कंटिन्व टू द एंड कंपोजर द थमर हु इज़ द एंड नेचुरल विद द एक्श एंड एंटरटेनर एंड मिसेस दि दॉ वितिथ द मेरेड अवेलासरुकुरी द दिनेमा एक्सप्रेस की वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुद द सेकंडा माय जॉन्स द एन लास्ट ने एंड कॉन्फिडेंट दिज द बोयापति एंड फॉर्मूला बद और संगीता देवी दंडू अब हिंदू क्रिटिजन द फिल्म वाज़ द सकंडा इज अ एंड द नो एंड नेगेटिव द रिस्पॉन्स एंड कैरेक्टर द म्यूजिक और एक्शंस एंड सीमोग्राफी कोरियोग्राफर इट द शो एंड Uh, Relates the end celebration of high and decidable, fast the you, me, and want to be keep in your noise the end, calculate the end earphones, and over the two word in will be, lord the, and going to be, part, who is the end, sound like a, uh, there is the BVS, B, 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 Prakash of the end, recount and uh, the end chronicle, criticized the the background, the end screen, where it do, and, and madly group the actions in the movie. तो दोस्तों कहीं ना कहीं से इस मूवीज़ को ज़्यादातर जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिला हुआ है अगर इस मूवीज़ की कहानी को हम यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो दोस्तों बता दे रेडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से करने को तैयार है लेकिन शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में वहाँ पर विवाह स्थल पर प्रवेश पर होता है और रेड्डू की बेटी के साथ वहाँ से भाग जाता है अब इस हादसा के बाद रंजीत रेड्डी और रेडू क्रोधित हो जाते हैं जहाँ वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जो कि पहले कभी दोस्त हुआ करते थे अब इस बीच भास्कर राजू एक कॉलेज छात्रा है जो रेडू की बेटी और फिर रंजीत रेड्डी की बेटी श्री लीला रेड्डी जो भास्कर की सहपाठी भी है उनका अपहरण कर लेते हैं अचानक और उन्हें अपने गृहनगर रुद्र राजपुरम में लेकर चले जाते हैं अब वहाँ पे जाने के बाद यही पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप कंपनी के सीईओ द्वारा किया गया जिसका नाम है रुद्र क्रांति रामकृष्णा अब वो ये केस जो है रुद्रग्रति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए हैं जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है वहीं पर रंजीत रेड्डी और रेडू ने अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण उन्हें गलत तरीकों से कैद किया गया था जेल में वहां पर यह भी पता चलता है कि रामकृष्ण राजू भास्कर के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त हैं जो कि भास्कर रामकृष्ण राजू की बेगुनाही साबित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्र ग्रंथी और फिर जो है परिणीता को बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे रंजीत और फिर रैडो के लोगों ने बंदी बना लिया था अब वहां पे बिना किसी विकल्प के रंजीत और रेडू ने रामकृष्णा राजू को जेल से छुड़वा लिया और फिर इसके बाद दोनों एक मंदिर उस शो में भास्कर और उसके परिवार पर हमला करते हुए नजर आते हैं लेकिन भास्कर के हमसकल सकांडा द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है आखिरकार रंजीत और रेडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया जब रामकृष्ण राजू ने सकांडा के बारे में पूछताछ की तो पता चलता है कि सकांडा का एक मोरक्त हत्यारा है जो कि पे डेनियल नामक एक मोरक्को के स्थित और शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है फिर उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद सकांडा के दूर चले जाने पर रेडू और रंजीत रेड्डी उसके डरने उससे डरने लग जाते हैं जिससे संकेत मिलता है कि उसका अतिश सीक्वल में सामने आएगा तो फैंस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले कहानी को समझाते हुए मैं आपको बता सकांडा और जवान स्टार हिनेनी और फिर आपको बता दें मास निर्देशकूनी के पहले सहयोग का प्रतीक है ये फिल्म आज से कुछ समय पहले सिनेमा गुरू में रिलीज हुई लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस उतनी शानदार कमाई नहीं किया है वहीं पे दोस्तों कहानी इस मुज की तेलंगाना के सीएम रंजीत रेड्डी शरद लोगेश का बेटा आंध्र प्रदेश के सीएम रायडू अजय पुरगर की बेटी के साथ भाग गया अब वहाँ पे गुस्से में आकर रायडू बदला लेना चाहता है लेकिन भास्कर राजू राम पोते की एंट्री से पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है अब कौन है भास्कर राजू उसका आदर्श क्या है उन्होंने दोनों सीम पर निशाना क्यों साधा रुद्र ग्रंथि रामकृष्ण राजू यानी कि श्रीकांत का राजू से क्या संबंध है आपको सब कुछ फिल्म फिल्म को देखने के बाद ही पता चलने वाला है फिल्म की प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इस फिल्म के लिए रामपोथी ने का प्रभावशाली परिवर्तन उल्लेखनीय है उनका बीस्ट मोड खासकर जब आप एक एक्शन दिवसों में दुश्मनों को मार गिराते हैं तो वो साधारण है जो उनकी सामूहिक उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दृश्यों में और फिर अधिक वजन जोड़ता है ये चीज़ें जो कि एक नायिका के रूप में श्री लीला कम प्रवेश कम जो है प्रभावशाली है लेकिन वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है और अपनी जो है शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मथुरा मुख कर देती है श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है और भले ही स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है दघुवती राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है और थमन अपने उत्कृष्ट स्कोर के लिए सराहना के पात्र है जो कई दिवसों को बेहतर बनाते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं बात करें फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में तो आपको बता दें जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को भूलना होगा जहा पे आपको बता दें ये उदाहरण बोयापति श्रेणु की हाल की फिल्मों में दिया गया विशेष रूप से इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर पूरी तरह से लागू होता है इससे दृष्टि से सकांडा भी अपवाद नहीं लगता है हालांकि आपको बता दें झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित करता है लेकिन ऐसे क्षण भी सामने आते हैं जब वह सवाल करते हुए और ये कैसे संभव है ये भी एक अलग ही सवाल है फिल्म का कहानी ज्यादातर कुछ भी नया पेश करने में आगे नहीं बढ़ती है जो एक ऐसा पहलू है जिस पर जो है व्यापति श्रीनु को अधिक ध्यान देने की और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है दिलचस्प तरीके से होता है लेकिन जल्द ही ये अपनी गति को खो देता है और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी हो जाती है अब दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद और तैयार करने और फिर जो है प्रशंसकों को सीटियाँ बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा और कुछ नहीं है उन्हें फिल्म की कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जो आकर्षक होना चाहिए फिल्म के गाने और उनका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है और एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने लायक है फिल्म में इंद्राजा गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है जिनका कथानक में योग्य करने के लिए बहुत कुछ नहीं है निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी जो कि थमन से कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए भी देने चाहिए था लेकिन दूसरे भाग में आपको बता दें इस फिल्म का भावनात्मक हिस्सा अच्छा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है और इसमें सुधार किया जा सकता था उसके अलावा कुछ संवाद और फिर राजनीतिक दलों को लक्षित किया गया है लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकता है खासकर बी और सी केंद्रों में बोयापति श्रेनु एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुक रहे हैं और वहीं पे एम रत्नम के संवाद फिर स्वीकार्य है और कई बार उंगठे खड़े कर देता है थमन का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में ऊर्जावान है और कई दृश्यों को बढ़ावा देता है संतोष दिटेक के सीमटोग्राफी शीर्ष पैदान पर है खासकर लड़ाई के दृश्यों में भी संपादन ठीक ठाक है लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनुश्चय दृश्यों को काटा जा सकता था फिर उत्पादन मूल्यों भी काफी ज्यादा सराहनीय प्रदान करता है कुल मिलाकर सकांडा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजन फिल्म है जो राम पोथी नेनी का ठोस प्रदर्शन देखने को मिलता है और जवान एक्शन दृश्य और देखने लायक है नृत्य पेश किया गया है जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजन का आनंद लेंगे फिल्म की सरल कहानी अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं तो आप इस हफ्ते के एंडिंग में इस मूवीज को जरूर से देखिएगा ऐसा एक सौ तेईस तेलुगु ने बताया है अपने दर्शकों को दोस्तों इस वीडियो में हम सकांडा फिल्म की हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस मूवी से जुड़े फैक्ट को भी वीडियो में बता रहे हैं सकांडा फिल्म जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और दोस्तों सकांडा उम्मीद थी राम पोथी नैनी को कि यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित होगी लेकिन दोस्तों मूवीज ने अपने नब्बे करोड़ के बजट के मुकाबले सिर्फ साठ करोड़ की कमाई किया है जो कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी सफलता असफलता साबित हुई है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के निर्देशक बोयापति श्रीनिकी तेलुगु मास आउटिंग सकांडा हमलावर की शुरुआत में इसमें रामपूतने और श्रीलीला और साई मंजरेकर ने अभिनय किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री सुरत सवा का बेटा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय पुरगर की बेटी के साथ वो भाग निकलता है अब यहाँ से दोनों मुख्यमंत्री जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के इसके बाद एक दूसरे पर दोनों तंज कसते हुए नजर आते हैं और अपने अपने डायलॉग्स में भी दोनों ही अपने अदाकारियों से खूब ज्यादा दुश्मनी फैलाते हुए नजर आते हैं अब दोनों में दुश्मनी होने के बाद अगर आप फिल्म को देख रहे हैं और यदि आप सोच रहे कि कौन सा सीएम जीतेगा तो आपको बता दें फिल्म के बीच में एक चरित्र खुद को सीमा बिड्डा कहते हुए सामने आता है जो कि रियल सीमा मिट्टी का बेटा के रूप में पेश करता है अपने आप को जो कि बाद में दोनों सीएम को घुटने पर लेकर आता है और एक कन्या पात्रों ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी है कि वह उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज या फिर व्यक्ति को अचार बनाने और जार में बंद करने में संकोच नहीं करेगा पे अच्छा सकांडा को देखने का एक तरीका है और वहीं पे ऐसी पंक्तिया से खुश हो रहे क्योंकि इसमें जो है कैसे भी बहुत कुछ देखने को मिला हुआ है कहानी एक नायक को अपने पिता के दोस्त के साथ हुए अन्याय को दूर करना होगा और भले इसके लिए दो मुख्यमंत्रियों में फिल्म के अंदर मुकाबला करना पड़े सकांडा आपको बता दें हमलावर के पास वह सब कुछ से मौजूद है जो एक बोयापति श्रीनु फिल्म से उम्मीद की जा सकती है जहाँ पर धीमी गति में निष्पादित किए गए बड़े पैमाने पर एक दृश्य जिसके दौरान जो यहाँ पे सिर लुढ़ते हुए नजर आते हैं लोगों को आपको बता दें भाले या फिर खंजर पर जो है लड़ाया हुआ और फिर जो है जलाया गया शब्द यानी कि शब्द दंड पुरुष जो कि तुकान शनवास से होता है जो मीन सामग्री के रूप में काम कर सकता है अतिरिक्त तेज के बारे में हम बात कर ले तो अतिरिक्त तेज संगीत और फिर जो इस लाए और महिलाओं का निश्चिंत रूप से बारीक की और फिर क्षमता की उम्मीद नहीं किया गया है लेकिन सगांडा एक यहाँ पे शांत शक्ति प्रशिक्षण और इंद्रियों पर हमला जरूर करता है इसी के साथ आपको बता दें प्रस्तावना में श्रीकांत को यहाँ पे रुद्र राजपुरम के एक उद्यमी रुद्र ग्रंथि रामकृष्ण राजू के रूप में दिखाया गया जिसे उन अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है जो उसने नहीं दिए थे और फिर उनकी बेटी जो है साई मंजरेकर जिंदगी और मौत से जूझ रही है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक नायक को आगे आना होगा वही आपको बता दे राम एक यहाँ पे अत्यंत जो है राक्षस की भूमिका निभाते हैं जो इन शक्तिशाली मुख्य से मुकाबला करते हैं जिनके चरित्र चित्र यहाँ पे व्यंगतपूर्ण है क्योंकि फिल्म में गुंडो को भी धीमी गति वाले शॉर्ट्स में हिस्सा मिला हुआ है और राम को बहुत कुछ मिला हुआ है और एक पात्र अपनी गति को बाघ के बराबर बताता है जिसके बाद बाईस धीमी गति वाले शॉर्ट्स होते हैं इसके बाद आपको बता दे संवाद में दूसरी पंक्ति भी बोली जाती है और ये सब थोड़ा सा निराशाजनक करता है अपने दर्शकों को वही आपको बता दें ये भी दिखाया गया है कि बाहुबली फिल्म के अंदर भल्लाल देव द्वारा बड़े आकार के बैलों को वश में करने की तुलना में अभिनेता राम एक भयंकर बैलों को दवा का इंजेक्शन देकर आसानी से वश में कर लेते हैं नायक को एक के कच्चे कॉलेज छात्रा के रूप में पहले दिखाया गया है जो अपनी सहपाठी श्री को एक और औसत महिला के रूप में संदर्भित करते हैं उनका तर्क यह है कि यदि वह एक औसत दिखने वाली महिला को लुभाए और फिर उससे शादी करेगा तो वह अधिक ध्यान आकर्षित करेगा अपने ओर और, और सुंदर माना जाएगा इन औसत संदर्भों को हास्य के रूप में पेश किया जाता है और यदि आपको लगता है कि आप जो एक क्रूर चरित्र से बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर खुलासे की प्रतीक्षा करें हम बाद में बा, हमें ये बाद में बताया गया था कि वह यहाँ पे एथिकल हैंकिंग में माहिर हासिल थे जो कि स्टैनफोर्ड और फिर यूनिवर्सिटी का ट्रॉपर था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वह केवल लोगों को हैक कर रहा है और वह ये सब कुछ अपने परिवार और अपने पिता दागुबती राजा के करीब जो है दोस्त रामकृष्ण राजू के प्यार के लिए कर रहे हैं कुमारी श्रीमती देव श्रृंखला की समीक्षा करते हुए एक शानदार नित्या मिलन ने यहाँ पे हास्य के साथ ग्रामीण और फिर जो है उद्धव की एक कहानी प्रस्तुत की है वही प्रतिशोध और फिर जो है प्रतिशोध की एक सरल कहानी एक मिनट तक जो है चलाया गया है जिसमें आपको बता दें सैकड़ों धीमी गति वाले शॉर्ट और फिर जो है यहाँ पे तुंग बद्दी वाले संवाद शामिल है अंतरराष्ट्रीय फिल्म और फिर जो है साहित्य संदर्भ में भी कुछ किया गया जो कि इसमें डाले गए हैं किसी को यहाँ पे टार्जन कहा जाता है तो कि, किसी को मैट्रिक्स शब्द कहा जाता है फिर पृष्ठभूमि में प्रमुखता से दिखाया गया है जब एक गुंडा हमले की योजना बनाता है फिर एक पात्र ये है और ये होना चाहिए जो कोई राम को चलते फिरते जो है रोल्स रोयस भी कहता हुआ दिखाई देता है तो गाइस कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी हिट थी लेकिन इस मूवीज़ को उतना ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है और इस फिल्म में बेहतरीन स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इस मूवीज़ ने अंडर फिल्म के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें ये फिल्म साल 2023 में रिलीज की गई भारतीय तेलुगु भाषा की

और प्रिंस साथ राम पोथीन इस फिल्म में दोहरी भूमिकाओं में नजर आए हुए हैं वहीं पे दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में हम बात करें तो आधिकारिक घोषणा सबसे पहले फरवरी 2022 में स्थायी शीर्षक बोयापति रापो के तहत की गई थी जबकि दोस्तों फिल्म की आधिकारिक शीर्षक सकांडा की घोषणा जुलाई दो में की गई थी वहीं फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर दो में शुरू हुई और फिर अगस्त दो में समाप्त हुई अगर बात करें फिल्म के संगीत के बारे में तो फिल्म के संगीत थमन इस द्वारा तैयार किया गया था जबकि और और संपादन संतोष डिटेक और फिर द्वारा संभाला गया था वहीं आपको बता दें सकांडा फिल्म को 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था जिसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं देखने को मिला हुआ है और साथ ही साथ जिसमें फिल्म के कलाकारों के प्रदर्शन और फिर विशेष रूप से राम पोथनी और फिर श्रीलीला के बारे में बताया गया उनके बारे में छ्यांकन किया गया और फिर पृष्ठभूमि स्कोर के बारे में लिखा गया है कि उनका एक्शन दिवसों की प्रशंसा किया गया लेकिन इसके निर्देशन और फिल्म की पटकथा के साथ फिल्म का लेखन और साउंड एट की आलोचना किया गया है और इस मूवी की बजट के बारे में हम बात करें तो सकांडा फिल्म को बनाने में तकरीबन नब्बे करोड़ रुपया खर्च हुआ है और नब्बे करोड़ के मुकाबले में मूवी ने उनसठ करोड़ रुपए सौदे की कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म निराशाजनक साबित हुई है The film was officially announced in February 2022 under the and tentative title Boya Patirapo. Who will the officially and titled the Second was announced in July 2023 and the principal photography began in October 2022 and were paid in August 2023. The music is composed by Thaman S Wilde and cinematography and editing art and handle by santosh the and timir raju and respectively sakanda was released on september 2000 september 28 and 2023 to make sure to negative review from the critics with the in price and toward the cast performance and participate drama in the sririliila to graphic background score and action sequence and the Critics in the directions and screen waiting and sounded the film grossed the 59 crore and against the budget 90 crore and become of the box office. So the end disappointed on 18 February 2022. And Srinivasan Silver Screen. Srinivasan Silver Screen announcement the third next film, which in the directed by Bhuapati Srinu and Wall star Ram in the lead role. It is the was and the tentatively. Title as the Boyapati Rapo either the end, and, and Puja was the end held on 1 June 2020 in the Hyderabad on 5 October 2022. Sri Lila was announcement to play the lead female role, and alongside Ram Ramputhini for the first time on 3 July 2023. Or the end, Grandpa was the release which the end revealed the title and Sakanda. Movie principal photography com uh, commenced on 6 October 2022 with the end for the schedule in the Ramoji Film City in Hyderabad. The second schedule and commenced in November and in clouding action sequence. The third schedule again in January 2023. The schedule in cloud A and is featuring the featuring the and Sri lila.

एक वेरेट द डिजिटल एंड स्ट्रीमिंग द राइट फॉर द फिल्म एंड वॉज द प्राइम रेड ऑन टू नवंबर 2023 इन तेलुगू तमिल मलयालम एंड कनाडा लैंग्वेजेस सकांडा रिसीव मिक्सियड टू नेगेटिव रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स हु द प्राइज द एंड पोथीनि इज परफॉर्मेंस एंड एक्शन सिक्वेंस विल एंड क्रिएटिस इन द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले 123 telugu give the 5 and 3.5 star and what is the second is a mass action and entertainer the offered the sold and performance by the putinani and energetic the actions and skines and dancing root the which it will be fans and the message will enjoy this high voltage entertainment in and the film's simple story and the illogical actions sequence and हलो एंड द एस लोज इस द सेकेंड हाफ माइ टू बी अपील टू द ऑदर इफ यू आर फाइन एंड विथ दिस द एंड एक्सपेक्टेड यू मी गिव दिस द मूवी एंड वॉच इस द एंड विकेंडे एंड द निशिता न्यायपति ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया गिव टू बन फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुण द सकंड इज़ नॉट अ फिल्म you expected the analogy from the between the it is the has only tram and a few action sequence going for the there is not much left to the entertaining either and percast the end pageant of the south first give 1.5 star rating word the second are regular routing and the formula and narrative of the boyapati renew. it is the end in count the end mini allows the end open into the mass and audience with the end logically story and. अबसोडेड द कॉमेडी इन माइट इवेंट द्ली विद द एंड रेवेलेंट डूरिंग द गणेश इमरिजन द श्री निवासन एंड न दूरी अब द ओ टी टी प्ले गिव वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग वरुप द सकंड इज़ अ फिल्म धेट द एंड इवेंट मेक दयापति इज़ परविजली डू यू टू द एंड डेड विनय विद्यााराम मुजी मूवी इन सिम द इन फेंटली बेटर द थेर इज नॉट मेच टू बी इज़ द जस्ट बेट द व द फोर एंड फिल्म मेकर ने इज़ द स्क्रिप्ट एंड सिलेक्शन वॉज द एंड कंटिन्व टू द एंड कंपोजर दमर हु द एंड नेचुरल विद द एक्श एंड एंटरटेनर एंड मिसेस द बॉस विद द मेरेड अवेलास अ चेरुकुरी अब सिनेमा एक्सप्रेस गिव वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग एंड वरुड द सकान मैर जो दि एंड लास्ट न्यर द एंड कॉन्फिने दिस द एंड Uh, sangeeta Devi Dandu of the Hindu criticism the film was the second is uh, brutal and the no and negative the response and character, the music or accents and uh, cinematography, choreographer eat the show and uh related the and celebration of high and decidable miss fast the you me and want to be keep in your noise and you noise the end calculate the and earphones टू वर्ड इन बी लॉर्ड दू बार्ट हुउंड लाइक अ थियर इज दी वी एस प्रकाश ऑफ द एंड एंड क्रॉनिकल क्रिटाइज द एंड स्क्रीन वरी एंड माइंडली ग्रुप ऑफ द एक्शंस इन द मूवी तो दोस्तों कहीं ना कहीं से इस मूवीज़ को ज्यादातर जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिला हुआ है अगर इस मूवीज की कहानी को हम यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो दोस्तों बेटा बता दे रेडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है जो अपनी बेटी की शादी चिनप्पा से करने को तैयार है लेकिन शादी के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी का बेटा एक अतिथि के रूप में वहां पर विवाह स्थल पर प्रवेश होता है और रेडू की बेटी के साथ वहाँ से भाग जाता है अब इस हादसा के बाद रंजीत रेड्डी और रैडो तो क्रोधित हो जाते हैं जहाँ वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जो कि पहले कभी दोस्त हुआ करते थे अब इस बीच भास्कर राजू एक कॉलेज छात्रा है जो रेडू की बेटी और फिर रंजीत रेड्डी की बेटी श्री लीला रेड्डी जो भास्कर की सहपाठी भी है उनका अपहरण कर लेते हैं अचानक और उन्हें अपने गृहनगर रुद्र राजपुरम में लेकर चले जाते हैं अब वहाँ पे जाने के बाद यही पता चलता है कि अपहरण क्राउन ग्रुप कंपनी के सी द्वारा किया गया जिसका नाम है रुद्र क्रांति रामकृष्णा अब वो ये केस जो है रुद्र क्रांति रामकृष्ण राजू से जुड़े हुए हैं जो अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है वहीं पर रंजीत रेड्डी और रेडू ने अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण उन्हें गलत तरीकों से कैद किया गया था जेल में पर यह भी पता चलता है कि राजू भास्कर के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त हैं जो कि भास्कर और रामकृष्ण राजू की बेगुनाही साबित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्र ग्रंथी और फिर जो है परिणीता को बचाने के लिए दोस्त लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे रंजीत और फिर राडू के लोगों ने बंदी बना लिया था अब वहां पे बिना किसी विकल्प के रंजीत और रेडू ने रामकृष्णा राजू को जेल से छुड़वा लिया और फिर इसके बाद दोनों एक मंदिर उस शो में भास्कर और उसके परिवार पर हमला करते हुए नजर आते हैं लेकिन भास्कर के हमसकल सकांडा द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है आखिरकार रंजीत और रेडू ने मीडिया के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया जब रामकृष्णा राजू ने सकांडा के बारे में पूछताछ की तो पता चलता है कि सकांडा मोरक्को का एक कुख्यात हत्यारा है जो कि यहाँ पे डेनियल नामक एक मोरक्को के स्थित और शक्तिशाली अपराध मालिक की मौत के लिए जिम्मेदार है फिर उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद सकांडा के दूर चले जाने पर रेडू और रंजीत रेड्डू उसके डरने उससे डरने, डरने लग जाते हैं जिससे संकेत मिलता है कि उसका अति सकंडा टू नामक सीक्वल में सामने आएगा तो फैंस ये कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है आइए दोस्तों बात कर लेते फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में और फिल्म की प्लस पॉइंट के बारे में कि कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले कहानी को समझाते हुए मैं आपको बता दी और जवान स्टार रामपूतने और फिर आपको बता दे मास निर्देशकूनी के पहले सहयोग का प्रतीक है ये फिल्म आज से कुछ समय पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ी उम्मीदों के साथ फिल्म को रिलीज किया गया था के सीएम रैडू अजय पुरगर की बेटी के साथ भाग गया अब वहां पे गुस्से में आकर रायडू बदला लेना चाहता है लेकिन भास्कर राजू राम पोतीनिनी की एंट्री से पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है अब कौन है भास्कर राजू उसका आदर्श क्या है उन्होंने दोनों पर निशाने साधा। की अगर बात करें, तो सब से पहले इस फिल्म के लिए रामपोतीनी का प्रभावशाली परिवर्तन उल्लेखनीय है उनका बीस्ट मोड खासकर जब आप एक, एक देशों में दुश्मनों को मार गिराते हैं तो वो साधारण है जो उनकी सामूहिक उपस्थिति के अलावा उनकी अद्भुत संवाद अदायगी दिवसों में और फिर अधिक वजन जोड़ता है ये चीजें जो कि एक नायिका के रूप में श्रीलीला कम प्रवेश कम जो है प्रभावशाली है लेकिन वह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती है और अपनी जो है शानदार सुंदरता और नृत्य चाल से दर्शकों को मथुरा मुख कर देती है श्रीकांत को एक अच्छी भूमिका मिलती है और भले ही स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति कम है लेकिन पूरा शो उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है दघुवती राजू ने भी अच्छी भूमिका निभाई है और थमन अपने उत्कृष्ट स्कोर के लिए सराहना के पात्र है जो कई दिवसों को बेहतर बनाते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं बात करें फिल्म की माइनस पॉइंट के बारे में तो आपको बता दें जादू का आनंद लेने के लिए तर्क को भूलना होगा जहा पे आपको बता दें ये उदाहरण बोयापति श्रेणु की हाल की फिल्मों में दिया गया विशेष रूप से इस फिल्म में लड़ाई के दृश्यों पर पूरी तरह से लागू होता है इससे दृष्टि से सकांडा भी अपवाद नहीं लगता है हालांकि आपको बता दें झगड़े आनंददायक होते हैं और दर्शकों को रोमांचित करता है लेकिन ऐसे क्षण भी सामने आते हैं जब वह सवाल करते हुए और ये कैसे संभव है ये भी एक अलग ही सवाल है फिल्म का कहानी ज्यादातर कुछ भी नया पेश करने में आगे नहीं बढ़ती है जो एक ऐसा पहलू है जिस पर जो है व्यापति श्रीनु को अधिक ध्यान देने की और अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए फिल्म की शुरुआत दिलचस्प होती है दिलचस्प तरीके से होता है लेकिन जल्द ही ये अपनी गति को खो देता है और दूसरे भाग में इसकी गति धीमी हो जाती है अब दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक संवाद और तैयार करने और फिर जो है प्रशंसकों को सीटियाँ बजाने पर मजबूर करने वाले सामूहिक झगड़ों का निर्देशन करने के अलावा और कुछ नहीं है उन्हें फिल्म की कथानक पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जो आकर्षक होना चाहिए फिल्म के गाने और उनका प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है और एक दो गानों को छोड़कर बाकी सब भूलने लायक है फिल्म में इंद्राजा गौतमी और अन्य जैसे कई पात्रों का परिचय दिया गया है जिनका कथानक में योग्य करने के लिए बहुत कुछ नहीं है निर्देशक को उन्हें अधिक गुंजाइश देनी चाहिए थी जो कि थमन से कम से कम कुछ संवाद बोलने के लिए भी देने चाहिए था लेकिन दूसरे भाग में आपको बता दें इस फिल्म का भावनात्मक हिस्सा अच्छा है लेकिन उत्कृष्ट नहीं है और इसमें सुधार किया जा सकता था उसके अलावा कुछ संवाद और फिर राजनीतिक दलों को लक्षित किया गया है लेकिन ये बड़े पैमाने पर दर्शकों के साथ अधिक गूंज सकता है खासकर बी और सी केंद्रों में बोयापति सिरनु एक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ लौट रहे हैं जो भावनाओं से अधिक एक्शन की ओर झुक रहे हैं और वहीं पे एम रत्नम के संवाद फिर स्वीकार्य है और कई बार उंगठे खड़े कर देता है थमन का बैकग्राउंड स्कोर विशेष रूप से पहले भाग में ऊर्जावान है और कई दृश्यों को बढ़ावा देता है संतोष दिटेक के पैदान पर है खासकर लड़ाई के दृश्यों में भी संपादन ठीक ठाक है लेकिन बेहतर गति के लिए दूसरे भाग में कई अनुच्छेक दृश्यों को काटा जा सकता था फिर उत्पादन मूल्यों भी काफी ज्यादा सराहनीय प्रदान करता है कुल मिलाकर सकांडा एक सामूहिक एक्शन मनोरंजन फिल्म है जो रामपोथिने का ठोस प्रदर्शन देखने को मिलता है और जवान एक्शन दृश्य और देखने लायक है नृत्य पेश किया गया है जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजन का आनंद लेंगे फिल्म की सरल कहानी अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा यदि आप इन पहलुओं से सहमत है तो आप इस हफ्ते के एंडिंग में इस मूवीज को जरूर से देखिएगा ऐसा एक सौ तेईस तेलुगु ने बताया है अपने दर्शकों को दोस्तों इस वीडियो में हम सकांडा फिल्म की हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं इस मूवी से जुड़े फैक्ट को भी वीडियो में बता रहे हैं सकांडा फिल्म जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और दोस्तों सकांडा फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद थी राम पोथी नैनी को कि यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित होगी लेकिन दोस्तों मूवीज ने अपने नब्बे करोड़ के बजट के मुकाबले सिर्फ साठ करोड़ की कमाई किया है जो कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी सफलता असफलता साबित हुई है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म के निर्देशक बोयापति श्रीनिकी तेलुगु मास आउटिंग सकांडा हमलावर की शुरुआत में इसमें रामपूतने और श्रीलीला और साई मंजरेकर ने अभिनय किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री सुरत लुईसवा का बेटा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय पुरकर की बेटी के साथ वो भाग निकलता है अब यहाँ से दोनों मुख्यमंत्री जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के इसके बाद एक दूसरे पर दोनों तंज कसते हुए नजर आते हैं और अपने अपने डायलॉग्स में भी दोनों ही अपने अदाकारियों से खूब ज्यादा दुश्मनी फैलाते हुए नजर आते हैं अब दोनों में दुश्मनी होने के बाद अगर आप फिल्म को देख रहे हैं और यदि आप सोच रहे कि कौन सा सीएम जीतेगा तो आपको बता दें फिल्म के बीच में एक चरित्र खुद को सीमा बिड्डा कहते हुए सामने आता है जो कि रियल सीमा मिट्टी का बेटा के रूप में पेश करता है अपने आप को जो कि बाद में दोनों सीएम को घुटने पर लेकर आता है और एक कन्या पात्रों ने मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दी है कि वह उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज या फिर व्यक्ति को अचार बनाने और जार में बंद करने में संकोच नहीं करेगा चाहे अच्छा सकांडा को देखने का एक तरीका है और वहीं पे ऐसी पंक्तिया से खुश हो रहे क्योंकि इसमें जो है कैसे भी बहुत कुछ देखने को मिला हुआ है कहानी एक नायक को अपने पिता के दोस्त के साथ हुए अन्याय को दूर करना होगा और भले इसके लिए दो मुख्यमंत्रियों में फिल्म के अंदर मुकाबला करना पड़े सकांडा आपको बता दें हमलावर के पास वह सब कुछ से मौजूद है जो एक बोयापति श्रेणु फिल्म से उम्मीद की जा सकती है जहाँ पर धीमी गति में निष्पादित किए गए बड़े पैमाने पर एक दृश्य जिसके दौरान जो यहाँ पे सिर लुढ़ते हुए नजर आते हैं लोगों को आपको बता दें भाले या फिर खंजर पर जो है लड़ाया हुआ और फिर जो है जलाया गया शब्दा शब्द यानी कि शब्द दंड पूरे जो कि तुकान शनवास से होता है जो मीन सामग्री के रूप में काम कर सकता है अतिरिक्त तेज के बारे में हम बात कर ले तो अतिरिक्त तेज संगीत और फिर जो जो है 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 इस थमन को संक्षेप में कहा गया कि ड्रम लाए और लगातार जो आवाज तेज रखे उन महिलाओं का नेतृत्व करे जिनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है कोई और निश्चिंत रूप से बारीफ की और फिर जो क्षमता की उम्मीद नहीं किया गया है लेकिन सगांडा एक यहाँ पे शांत शक्ति प्रशिक्षण और इंद्रियों पर हमला जरूर करता है इसी के साथ आपको बता दें प्रस्तावना में श्रीकांत को यहाँ पे रुद्र राजपुरम के एक उद्यमी रुद्र ग्रंथि रामकृष्ण राजू के रूप में दिखाया गया जिसे उन अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है जो उसने नहीं दिए थे और फिर उनकी बेटी जो है साई मंजरेकर जिंदगी और मौत से जूझ रही है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक नायक को आगे आना होगा वही आपको बता दे राम एक यहाँ पे अत्यंत जो है मरदाना राक्षस की भूमिका निभाते हैं जो इन शक्तिशाली मुख्य से मुकाबला करते हैं जिनके चरित्र चित्रण यहाँ पे व्यंगतपूर्ण है क्योंकि फिल्म में गुंडों को भी धीमी गति वाले शॉर्ट्स में हिस्सा मिला हुआ है और राम को बहुत कुछ मिला हुआ है और एक पात्र अपनी गति को बाघ के बराबर बताता है जिसके बाद बाईस धीमी गति वाले शॉर्ट्स होते हैं इसके बाद आपको बताते संवाद में दूसरे पंति भी बोली जाती है और ये सब थोड़ा सा निराशाजनक करता है अपने दर्शकों को वही आपको बता दें ये भी दिखाया गया है कि बाहुबली फिल्म के अंदर भल्लाल देव द्वारा बड़े आकार के बैलों को वश में करने की तुलना में अभिनेता राम एक भयंकर बैलों को दवा का इंजेक्शन देकर आसानी से वश में कर लेते हैं नायक को एक के कच्चे कॉलेज छात्रा के रूप में पहले दिखाया गया है जो अपनी सहपाठी श्री को एक और औसत महिला के रूप में संदर्भित करते हैं उनका तर्क यह है कि यदि वह एक औसत दिखने वाली महिला को लुभाए और फिर उससे शादी करेगा तो वह अधिक ध्यान आकर्षित करेगा अपने ओर और, और सुंदर माना जाएगा इन औसत संदर्भों को हास्य के रूप में पेश किया जाता है और यदि आपको लगता है कि आप जो एक क्रूर चरित्र से बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर खुलासे की प्रतीक्षा करें हम बाद में बा, हमें ये बाद में बताया गया था कि वह यहाँ पे एथिकल हैंकिंग में माहिर हासिल थे जो कि स्टैनफोर्ड और फिर यूनिवर्सिटी का टॉपर था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वह केवल लोगों को हैक कर रहा है और वह ये सब कुछ अपने परिवार और अपने पिता दागुबती राजा के करीब जो है दोस्त रामकृष्ण राजू के प्यार के लिए कर रहे हैं कुमारी श्रीमती देव श्रृंखला की समीक्षा करते हुए एक शानदार नित्याम मिलन ने यहाँ पे हास्य के साथ ग्रामीण और फिर जो है उद्धव की एक कहानी प्रस्तुत की है वही प्रतिशोध और फिर जो है प्रतिशोध की एक सरल कहानी एक मिनट तक जो है चलाया गया है जिसमें आपको बता दें सैकड़ों धीमी गति वाले शॉर्ट और फिर जो है यहाँ पे तुंग बद्दी वाले संवाद शामिल है अंतरराष्ट्रीय फिल्म और फिर जो है साहित्य संदर्भ में भी कुछ किया गया जो कि इसमें डाले गए हैं किसी को यहाँ पे टार्जन कहा जाता है तो कि, किसी को मैट्रिक्स शब्द कहा जाता है फिर पृष्ठभूमि में प्रमुखता से दिखाया गया है जब एक गुंडा हमले की योजना बनाता है फिर एक पात्र यह है और ये होना चाहिए जो कोई राम को चलती फिरती जो है रोल्स रोयस भी कहता हुआ दिखाई देता है तो गाइस कहीं ना कहीं फ़िल्म की कहानी हिट थी लेकिन इस मूवीज को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है और इस फिल्म में बेहतरीन स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इस मूवीज़ ने उतनी ज़्यादा कमाई नहीं की है अगर बात करें मूवी की लागत के बारे में तो नब्बे करोड़ रुपये खर्च किया गया था सकांडा फिल्म को बनाने में और इसके मुकाबले सिर्फ उनसठ करोड़ की ही कमाई किया है इस फिल्म ने तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वाज का एक्सप्लेशन आपको जरूर पसंद आया होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तुम्हें मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून